बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो है वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द साइट सेलेक्शन फॉर एयरपोर्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एयरपोर्ट्स की कैटेगरीज क्या हैं और उसमें जो डिज़ाइन के हवाले से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और रनवे की जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह की जाती है, उसमें विंड का क्या रोल है, विंड की टाइप्स कौन सी है, कौन सा विंड इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो ओरिएंटेशन है तो उसमें विंड रोज डायग्राम के जरिए कैसे जो है वो रनवे की ओरिएंटेशन की जाती है। आखिर में जो करेक्शंस के लिए एक न्यूमेरिकल है, तो रनवे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए तो वो लास्ट में चला एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो हम फिर उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द साइट सेलेक्शन प्रोसीजर फॉर एयरपोर्ट, तो जब भी एयरपोर्ट बनाया जाता है तो देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच सिंपल कि बस आप जो है वो एक ऑफिस स्टडी करा के जो है वो डिसाइड कर ले, या कोई पॉलिटिकल तरीके कार को फॉलो करके आप डिसीजन ले कि भाई फलानी जगह पे हमने जो है लोकेशन डिसाइड किया है और वहां पे एयरपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज अ टेक्निकल प्रोसेस एंड स्टेप्स व्हिच आर बीइंग फॉलोड इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द लोकेशन और डिसाइड द लोकेशन फॉर एन एयरपोर्ट। बेसिकली इसमें थ्री स्टेप्स होती हैं। वो थ्री स्टेप्स कौन सी है? द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, द सेकंड वन इज स्क्रीनिंग, और थर्ड वन जो है वो है सिलेक्शन। ऑल्दो इट्स वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट हम सिंपली मैं लुकिंग इनटू द स्कोप ऑफ दिस कोर्स मैं सिर्फ सिंपली इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसमें ब्रॉडली क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं इन द एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन। तो थ्री स्टेप्स में किया जाता है आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड सेलेक्शन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास एक डिफाइंड रीजन होगा। डिफाइंड रीजन मतलब आप किस एरिया में एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो वो एरिया तो ऑलरेडी आपके पास डिफाइंड होता है। लेट सपोज आप पिशावर में बना रहे हैं, आप करक में बना रहे हैं, आप बनू में बना रहे हैं, आप मरदान में बना रहे हैं, आप सो यू दैट ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट आपके पास जो जगह है वो डिफाइंड होती है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास जो जगह है वो डिफाइंड है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आपके पास विद इन दैट ब्रॉडर रीजन फिर आप सेलेक्ट करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उस ब्रॉडर रीजन में हमारे पास कौन से ऐसे लोकेशंस हैं जो कि फिजिबल है फॉर एयरपोर्ट लोकेशन, फॉर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सर लेट आवाज सपोज कट रही है सर। कट रही है, नो सर, नो सर, ठीक है सर, ठीक है, तो जिसके पास कट रही है नो सर, कौन आवाज है ये? हु इज हैविंग इश्यूज विद साउंड? यस असमयाज सर, आपने मायास साहब, आपके अपने कनेक्शन में कोई मसला होगा, इंटरनेट कनेक्शन में। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को आवाज ठीक आ रही है? यस यस सर, सर, यस सर, ओके, गुड। अच्छा, तो थ्री आपके पास, आप क्या, जी, आप क्या करते हैं, आपके पास यू हैव दिस ब्रॉडर रीजन, और उस ब्रॉडर रीजन में आप फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हम हमारे पास कौन से लोकेशंस हैं, 1, 2, 3 कितने फिजिबल लोकेशंस हैं जहां पे एयरपोर्ट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फिजिबल लोकेशन आप आइडेंटिफाई करते हैं विद इन दैट ब्रॉडर रीजन, दोस फिजिबल लोकेशन जो है वो जिस प्रोसेस में या जिस स्टेप में किया जाता है दैट स्टेप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर होगी बात? दूसरा है आपके पास स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में क्या किया जाता है? स्क्रीनिंग कहते हैं हम फिल्ट्रेशन को, फिल्टर आउट करना, ठीक है, चीजों को उसमें से निकालना।
तो इसमें से आप क्या करते हैं, आपके पास दो या तीन फिजिबल लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। उन दो तीन फिजिबल लोकेशंस को मुख्तलिफ क्राइटेरियाज की बेस पे उसको चेक किया जाता है और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स मालूम किए जाते हैं। और मेरिट्स और डीमेरिट्स मालूम करने के बाद आप क्या करते हैं, ये जो आप मुख्तलिफ हर एक को डिटेल्ड इवेल्यूएशन करते हैं ना हर एक लोकेशन की, तो वो स्क्रीनिंग फेज में की जाती है। उस डिटेल्ड इवेल्यूएशन करने के बाद आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाता है कि कौन सा लोकेशन है जो कि मोस्ट फिजिबल है फॉर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन। तो वो फिर आप फाइनल स्टेज में चले जाते हैं और फाइनल स्टेज में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो है वो तमाम जो क्राइटेरियाज हैं, जो तमाम मेरिट्स हैं, तमाम डीमेरिट्स हैं, उनको डिटेल्ड इवेल्यूएशन देख के बाद उसमें फाइनली आप सेलेक्ट करते हैं कि लोकेशन वन और लोकेशन टू जो है उसमें से लोकेशन वन के ऊपर हम एयरपोर्ट बनाएंगे और लोकेशन टू को रिजेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये ब्रॉडरली इन अ ब्रॉड सेंस थ्री स्टेप्स में किया जाता है कि आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग और सेलेक्शन। अब जो स्क्रीनिंग करते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फेज है वो है स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग के दौरान हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है, और उन मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मुख्तलिफ स्कोर असाइन किया जाता है बेस्ड अपॉन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो और फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि जिसका फाइनल स्कोर सबसे ज्यादा होगा उसकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो फिर ज्यादा होती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस, MCDA, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। और इसको स्टूडेंट की आसानी के लिए मैं क्लास में ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि लेट्स सपोज आपने मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, यू वांट टू बाय अ मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन आपके पास दो ऑप्शन है, मोबाइल फोन कैटेगरी नंबर वन और मोबाइल फोन कैटेगरी नंबर टू। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा जो है वो मोस्ट फिजिबल है फॉर यू टू बाय, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप एक मुख्तलिफ पैरामीटर्स लेते हैं, मुख्तलिफ क्राइटीरियाज लेते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन सेलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटीरिया हो सकता है, लेट सपोज मैं कैमरा, स्क्रीन साइज, बैटरी और प्राइस, ये चार क्राइटेरियाज मैंने रखे हैं फॉर सेलेक्शन ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है। यहाँ पे सेम इसको आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेलेक्शन ऑफ एनी लोकेशन फॉर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन एज वेल, कि आप मुख्तलिफ क्राइटेरियाज रखते हैं जो आपके ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को आप लिस्ट डाउन करते हैं। लेट सपोज मोबाइल नंबर फोन नंबर वन जो है उसका कैमरा है 13 मेगापिक्सल और फोन नंबर टू का कैमरा है 20 मेगापिक्सल। मोबाइल फोन जो पहला नंबर मोबाइल फोन है उसकी स्क्रीन साइज है 6 इंचेस जबकि दूसरे फोन की स्क्रीन साइज है 5 इंचेस। पहले फोन की बैटरी है 5000 mAh, दूसरी फोन की बैटरी है 4000 mAh और प्राइस पहले फोन का है 20,000 और दूसरे फोन का है 18,000। क्लियर होगी बात। अब ये आप क्या करते हैं, ये आपके पास मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। अब उन मुख्तलिफ फैक्टर्स को आप क्या करते हैं, रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेस पे वेटेजेस असाइन करते हैं, ठीक है ना, वेटेजेस असाइन करते हैं। जिसका जो आपके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेट देते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वेट असाइन करते हैं। लेट सपोज प्राइस मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से, तो मैंने इसको 20 स्कोर असाइन किया है या 20% वेटेज दिया है। क्लियर। बैटरी मेरे हिसाब से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी मैंने 20 स्कोर असाइन किया है। उसके बाद स्क्रीन साइज जो है उससे जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास स्क्रीन साइज है, उसको मैंने 15 स्कोर असाइन किया है क्योंकि मेरे हिसाब से बैटरी और प्राइस से मैं इसको कम इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैमरा है, कैमरा को मैं लीस्ट इंपॉर्टेंस पे रख रहा हूँ और उसको मैंने 10 स्कोर असाइन किया है, ठीक हो गया। तो
तो इसमें आप क्या करते हैं, ये स्क्रीनिंग में आपके पास मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं और उन मुख्तलिफ फैक्टर्स को आपने रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेस पे स्कोर असाइन किए हैं, वेटेजेस असाइन किए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जो जो जिसका हाईएस्ट होगा कैमरा उसको हाई स्कोर नंबर स्कोर मिलेगा, जिसका कैमरा कम होगा उसको कम स्कोर मिलेगा, ठीक है ना। अब आउट ऑफ 10, लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो 20 मेगापिक्सल है, तो इसको मैं 10 out of 10 मार्क्स देता हूँ, 10 out of 10 वेटेज देता हूँ। इसने 10 में से 10 अचीव किए हैं क्योंकि इसका कैमरा 20 मेगापिक्सल है, ठीक है। 13 मेगापिक्सल को उससे कम है, तो लेट्स सपोज इसको मैं 7 मार्क्स जो है वो असाइन कर लेता हूँ। सिमिलरली स्क्रीन साइज जो है ये 6 इंचेस है, तो ये 15 out of 15 इसने मार्क्स ले लिए, जबकि इसका 5 इंचेस है, तो इसको मैं 12 या 13 मार्क्स दे देता हूँ। बैटरी में ये 5000 है, ये 4000 है, तो इसने 20 out of 20 स्कोर कर लिया, इसने 17 या 16 out of 20 स्कोर किया क्योंकि इसका 4000 mAh बैटरी है। सिमिलरली प्राइस जो है, जो कम प्राइस वाला होगा उसको ज्यादा स्कोर मिलेगा, तो 18K जो है इसकी प्राइस है, तो इसको 20 स्कोर मिला है, जबकि इसकी प्राइस 20K है, तो इसको हमने 18 स्कोर दे दिया है, ठीक है। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेस पे हर एक ने जो जितना जितने उसके वेटेजेस के हिसाब से जितना उसकी जितना उसका स्कोर बनता था वो स्कोर उसने अचीव किया। फाइनल स्कोर आप कैलकुलेट करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ने टोटल कितना स्कोर अचीव किया है और ऑप्शन नंबर 2 ने टोटल कितना स्कोर अचीव किया है। ऑप्शन नंबर 1 ने 80 स्कोर अचीव किया है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 ने 75 स्कोर अचीव किया है। तो जिसका फाइनल स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो आप उसके चांसेस फिर ज्यादा होती हैं फॉर सेलेक्शन, फॉर फाइनल सेलेक्शन, ठीक है ना। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। इज दिस क्लियर नाउ? ये मैं चूंकि सेम यही प्रिंसिपल, सेम यही फिनोमेना, सेम यही प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं फॉर एनी साइट सेलेक्शन, ड्यूरिंग द साइट सेलेक्शन। आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। उन दो तीन ऑप्शंस को आप मुख्तलिफ क्राइटेरिया असाइन करते हैं, उन मुख्तलिफ क्राइटेरिया को आप रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेस पे वेटेजेस असाइन करते हैं, और फिर उसका फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। इसका भी स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, इसका भी स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी गिवन द इंपॉर्टेंस एंड दैट विल बी गिवन द ड्यू वैल्यू फॉर फाइनल सेलेक्शन। इज दिस क्लियर नाउ? इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी इशू प्लीज आस्क। यस ओके, अब ये तो मैंने ब्रॉडरली सब चीजें एक्सप्लेन की हैं, इसकी डिटेल यहाँ पे फिर मौजूद है, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन। अब जब आइडेंटिफिकेशन की जाती है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली बस किसी जगह के ऊपर भी जो है वो उंगली रखें कि बस यहाँ पे मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन के दौरान भी कुछ क्राइटेरियाज की बेस को देख के फिर आइडेंटिफिकेशन की जाती है। इस आइडेंटिफिकेशन स्लाइड का जो खुलासा है वो मैं नीचे बोल्ड फॉन्ट में इसको लिखा है मैंने। सेवरल पोटेंशियल साइट्स दैट मीट द क्राइटेरिया और आइडेंटिफाइड। तो इस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में क्या किया जाएगा, इस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में सेवरल पोटेंशियल साइट्स, आपके पास कितने पोटेंशियल साइट्स हैं, ये जो ऑप्शंस हैं ये 1, 2, 3, तो ये सेवरल पोटेंशियल साइट्स जो हैं जो क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये आपके पास 3 स्टेप्स हैं। वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपके पास लैंड एरिया फैसिलिटी के मुताबिक लैंड एरिया अवेलेबल हो, ठीक है ना। जितनी जो बेसिक फैसिलिटी के लिए जो लैंड एरिया रिक्वायर्ड है, तो क्या उतना लैंड एरिया आपके पास एक जगह पे मौजूद है। अगर लैंड एरिया उस जगह पे मौजूद है तो तब उसको आप कंसिडर करेंगे फॉर पोटेंशियल साइट, ठीक है ना। क्योंकि एयरपोर्ट के लिए काफी वसी जगह चाहिए होती है, काफी बड़ी जमीन चाहिए होती है, तो आपके पास क्या उतनी जमीन है कि वो बेसिक फैसिलिटी को पूरा कर सके फॉर न्यू एयरपोर्ट। तो अगर है तो
बिल्कुल ठीक है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर 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 एयरपोर्ट साइट्स पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल साइट। दूसरा ये है कि आपने ये देखना है कि क्या वो जिस कम्युनिटी के लिए आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, जिस जिन लोगों के लिए आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, क्या वो उसके उससे सर्टन रेडियस के अंदर अंदर वो जगह आती है कि नहीं आती, कहीं पे बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। लेट सपोज आप एयरपोर्ट बना रहे हैं पिशावर में, और पिशावर एयरपोर्ट लोगों जिन जिन जो बंदे इसको यूज करेंगे दे आर बिलोंगिंग टू पिशावर, ठीक है, और वो आप एयरपोर्ट जाके कहीं पे कोहाट में बना लें, तो क्या विल दैट बी अ फिजिबल ऑप्शन? नॉट एट ऑल, ठीक है। तो आपने ऐसी जगह पे एयरपोर्ट बनाना है कि क्या वो जिस कम्युनिटी के लिए आप बना रहे हैं वो विद इन सर्टन रेडियस और डिस्टेंसेस है या नहीं है। तो अगर है तो ठीक है, करीब है तो ठीक है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल साइट। प्लस उसमें ये भी देखा जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, एयरपोर्ट का दूसरे एयरपोर्ट के नेट उन जो एयरपोर्ट नेटवर्क्स ऑलरेडी मौजूद होता है उसके साथ एक खास कनेक्शन होता है। तो क्या जो नियर बाय एयरपोर्ट्स हैं उन उनके हिसाब से भी विद इन सर्टन रेडियस है या नहीं है, यानी उस रीजन के अंदर है, कहीं बहुत ज्यादा बाहर तो नहीं चला जाता रीजन से, ठीक है ना। तो ये जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ भी इसकी इंटीग्रिटी को चेक किया जाएगा। लास्ट में ये है कि जो साइट आप सेलेक्ट करते हैं क्या वो रिलेटिवली फ्लैट है, कोई हिली एरिया टेरेन तो नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें अगर हिली टेरेन बहुत ज्यादा है तो उसको एज अ पोटेंशियल साइट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये थ्री बेसिक क्राइटेरियाज हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन की स्टेज में फॉलो किए जाते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, ओके गुड। अब आते हैं स्क्रीनिंग की तरफ। तो स्क्रीनिंग में जैसे पिछले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हम मुख्तलिफ क्राइटेरियाज आइडेंटिफाई करते हैं और उन क्राइटेरियाज को हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेस पे वेटेजेस असाइन करते हैं। सेम यहाँ पे हम मुख्तलिफ हमारे पास स्क्रीनिंग फैक्टर्स होती हैं। वो स्क्रीनिंग फैक्टर्स क्या क्या है, उसमें सबसे पहला ये है कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, एक जगह की हम देखते हैं कि उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कितनी है, कि अगर उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अच्छी है तो उसको ज्यादा वेटेज असाइन किया जाएगा, अगर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वीक है तो फिर उसको कम स्कोर असाइन किया जाएगा। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का मतलब ये है, क्योंकि उससे फ्लाइट्स जो हैं उसकी एयर स्पेस को देखा जाता है कि क्या एक जगह जिसको हम बना रहे हैं वो उसकी एयर स्पेस की रिक्वा जो एयर स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो कितनी पूरी हो रही है, क्योंकि उससे हवाई क्या उससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो कॉज नहीं हो रहा। ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है, लेट सपोज देखिए हर एक एयरपोर्ट का अपना एक एयर स्पेस रीजन होता है, हवा में भी उसका अपना एक खास जगह उसके लिए मखसूस होती है ना, ठीक है ना, दैट इज वी कॉल्ड एयर स्पेस। अब अगर उससे करीब करीब कोई एयरपोर्ट्स हैं और वो एयर स्पेस और इस एयरपोर्ट का एयर स्पेस आपस में ऑब्स्ट्रक्शन एक दूसरे के लिए कॉज करता है, तो उससे क्या होगी, फ्लाइट्स पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एयर स्पेस जब खाली नहीं होगी तो एक एयरपोर्ट एक हवाई जहाज से एक एयरपोर्ट से हवाई जहाज फ्लाइट नहीं कर सकता जब तक उस अगर एयर स्पेस खाली नहीं है, एयर स्पेस जो है वो क्लियर नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो उसमें ये देखा जाता है। दूसरे इसमें ये है कि वेदर कंडीशन, अगर ऑप्शन वन और ऑप्शन टू में से कौन सा रीजन ऐसा है जो कि जो वेदर कंडीशंस जो सुटेबल वेदर कंडीशंस हैं, जो सुटेबल विंड स्पीड है, वो कौन से लोकेशन पे आपको मिल रही है, लोकेशन वन पे मिल रही है या लोकेशन टू पे मिल रही है? तो जिस जहां पे आपको सुटेबल वेदर कंडीशंस मिल रही है फॉर ऑपरेशन ऑफ द एयरपोर्ट एंड फ्लाइट्स, तो तब जो है उसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी अच्छी होगी, अदरवाइज फिर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वीक है, ठीक है। तो जो पहला क्राइटेरिया है, जो पहला स्क्रीनिंग फैक्टर है वो है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ठीक है, तो इसको स्कोर असाइन किया जाएगा। दूसरा क्या है, कैपेसिटी पोटेंशियल। कैपेसिटी पोटेंशियल क्या है कि आप दोनों साइट्स में देखते हैं कि जो अवेलेबल लैंड है वो कितनी मौजूद है, क्या इसकी जो एयरपोर्ट जब हम बना रहे हैं
उसमें जितनी कैपेसिटी हम रखना चाहते हैं एयरपोर्ट की, क्योंकि एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो फ्लाइट्स के हवाले से, नंबर ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर ट्रैफिक है उस हवाले से रखी जाती है। लेट सपोज अगर यहाँ पे 100 100 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पर आवर लैंड और टेक ऑफ करेंगे, तो क्या 100 एयरक्राफ्ट को एकोमोडेट करने की पोटेंशियल है एक जगह पे, यानी इतना लैंड एरिया अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ रनवेज बनानी होंगी, उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ टैक्सीवे, इस हिसाब से आपको एप्रॉन की जो टैक्स जो जो पार्किंग एरिया है फॉर एयरक्राफ्ट उसके लिए उस हिसाब से जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्या कौन से रीजन में जो है वो अवेलेबल लैंड इतना है कि वो कैपेसिटी पोटेंशियल किसकी अच्छी है और किसकी कैपेसिटी पोटेंशियल वीक है, ठीक है ना। प्लस सुटेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन, कौन सा रीजन है जो कि ज्यादा सुटेबल है फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अमंग द टू। तो ये आपके पास, आपके भाई यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम उसी तरह आप डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो उसको आप रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं। तीसरा जो स्क्रीनिंग फैक्टर है जिसकी बेस पे आप इवेल्युएट करते हैं किसी भी जगह को, दैट इज ग्राउंड एक्सिस। अब देखें एयरपोर्ट आप बना रहे हैं, आपने एक एयरपोर्ट बना लिया, लेकिन उस जगह को पहुंचने के लिए ना प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कोई जो है वो तरीकेकार मौजूद है। तो तब क्या होगा जब एक, क्योंकि आप एक जगह पे, एक वीरान जगह पे एयरपोर्ट तो नहीं बना सकते, तो फिर आप देखते हैं कि कौन सा रीजन है जिसकी ग्राउंड एक्सिस बेटर है, ठीक है ना। दोनों में से कौन सा रीजन है जिसकी ग्राउंड एक्सिस बेटर है, जिसको जो रीजनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से रोड नेटवर्क मौजूद है और पहले से जो कोई अवेलेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स भी उस वहां पे मौजूद है। तो जिसका, जिस लोकेशन का ग्राउंड एक्सिस अच्छा होगा, ठीक है ना, तो उस लोकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जिस लोकेशन का ग्राउंड एक्सिस कम होगा उसको कम इंपॉर्टेंस या कम जो है प्रेफरेंस मिलेगी। तीसरा चौथा इसमें है डेवलपमेंटल कॉस्ट। डेवलपमेंटल कॉस्ट भी देखा जाता है कि किसकी किस पे हम जो कंस्ट्रक्शन, लैंड कॉस्ट, सॉइल कंडीशन कॉस्ट, ये तमाम जो चीजें हैं कि किसके ऊपर डेवलपमेंटल कॉस्ट ज्यादा आएगी और किसके ऊपर डेवलपमेंटल कॉस्ट कम आएगी। जिसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आएगी डेफिनेटली उसकी जो स्कोर है वो वीक जोन में चला जाएगा, ठीक है, और जिसकी डेवलपमेंटल कॉस्ट सॉरी ज्यादा होगी तो वो वीक में चला जाएगा, और जिसकी कम होगी उसको आप जो है ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। लास्ट में आपके पास क्या है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसिस। फिर इसमें लास्ट में ये जरूर देखा जाता है कि कौन सा रीजन, दोनों लोकेशन या 3 4 लोकेशन में कौन सा लोकेशन ऐसा है जिसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स उसके कम है। जिसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कम होंगे वो ज्यादा फिजिबल होगा फॉर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या जाता है, एयरक्राफ्ट की नॉइज, ठीक है ना, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब फ्लाइट और टेक ऑफ करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सीवियर नॉइज प्रोड्यूस करता है, जिससे आसपास की कम्युनिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना। तो अब अगर कोई ऐसा रीजन है जिसके आसपास बहुत सिवेयर जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज मौजूद हैं, तो उससे डेफिनेटली रेजिडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल जो है उसके साइड इफेक्ट्स होंगे और फिर जो है उसको डीमेरिट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। प्लस जो है इससे फ्लोरा एंड फौना भी, यानी प्लांट लाइफ, एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, आपको डिफॉरेस्टेशन कभी कभार करनी पड़ती है। इसके अलावा हिस्टोरिकल फीचर्स कभी कभार चेंज करनी पड़ती है, यानी कहीं पे कोई बिल्डिंग ऑलरेडी मौजूद है तो एयरपोर्ट लोकेशन की वजह से उसको हटाना पड़ रहा है, वो भी एक नुकसानदेह है, वो भी डीमेरिट में आता है। और लास्ट में आपके पास क्या है, रिलोकेशन ऑफ द फैमिलीज एंड बिजनेसेस हो सकती हैं, ठीक है ना। कभी कभार एक एयरपोर्ट जो रीजन आप सेलेक्ट करते हैं, जो साइट आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें फैमिलीज के घर आ जाते हैं, बिजनेसेस आ जाती हैं, जिसको आपको वहां से हटाना पड़ रहा है, तो उस वो भी एक एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में चला जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में चला जाता है। तो ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं कि कौन से लोकेशन जो है वो ज्यादा सुटेबल है और कौन किसकी जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सबसे कम है।
तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करने के बाद आप इस हर एक फैक्टर को रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं, जो वेट्स असाइन करते हैं, और यहाँ पे क्या है, द फाइनल स्टेप इज सेलेक्शन एंड रिकमेंडिंग अ प्रेफर्ड साइट। इन दिस प्रोसेस वेटेजेस आर असाइन टू ईच क्राइटेरिया बेस्ड अपॉन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस, एंड फाइनली द साइट विद द हाईएस्ट रिलेटिव स्कोर इज सेलेक्टेड एज द साइट फॉर द न्यू एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो वेटेजेस असाइन करने के बाद हर एक का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, और वो रिलेटिव स्कोर जो है उसमें जो सबसे हाईएस्ट रिलेटिव स्कोर होगा जिसका, वो आप फाइनली सेलेक्ट करते हैं एज अ पोटेंशियल साइट फॉर न्यू एयरपोर्ट। इज दिस क्लियर नाउ? बिल्कुल वही तरीकेकार है जो मोबाइल फोन के एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, थैंक यू। अब आते हैं एयरक्राफ्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेवेंट टू द एयरपोर्ट डिजाइन। ठीक है, जब आप एयरपोर्ट डिजाइन करते हैं तो एयरक्राफ्ट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिनकी बेस पे हम एयरपोर्ट के मुख्तलिफ जो 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 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो हम डिजाइन करते हैं एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। तो उसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, एयरक्राफ्ट वेट। तो वेट, चूंकि देखें जब भी रोड बनाई जाती है, जब भी पेवमेंट बनाया जाता है, तो उसमें डिजाइन लोड तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास लोड मौजूद होगा तो लोड के हिसाब से आप पेवमेंट की थिकनेसेस जो जो है वो फिर डिफाइन करते हैं ना, उस हिसाब से फिर आप थिकनेसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, जो डिजाइन एयरक्राफ्ट होता है इसको हम क्रिटिकल एयरक्राफ्ट कहते हैं। तो वो डिजाइन एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द थिकनेस ऑफ द रनवे एंड द टैक्सी वे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या है, जो विंग स्पैन है। विंग स्पैन क्या होती है, ये विंग स्पैन है एक एयरक्राफ्ट की एक विंग से दूसरे विंग के दरमियान जो स्पेसिंग होती है दैट इज कॉल्ड द विंग स्पैन। ठीक है, तो विंग स्पैन में ये देखा जाता है कि वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक होती है फ्यूजिलाज लेंथ। फ्यूजिलाज लेंथ क्या होती है, ये जो लेंथ है फ्रॉम द नोज टिल द टेल दिस इज कॉल्ड द फ्यूजिलाज लेंथ। इसको सिंपल लेंथ भी कहते हैं, इसको फ्यूजिलाज लेंथ भी कहते हैं। और ये हेल्प आउट करता है इन डिटरमाइनिंग द साइज फॉर द एप्रॉन्स। एप्रॉन क्या होती है, जहां पे ये लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट की जाती है और जहां पे पार्किंग की जाती है ऑफ द एयरक्राफ्ट। लास्ट में आपके पास है विंग स्पैन एंड टर्निंग रेडियस। जो है विंग स्पैन क्या होता है, ये विंग स्पैन है। ठीक है, यहाँ तो ये विंग स्पैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो विड्थ है ऑफ द रनवेज एंड द टैक्सी वेज। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से फिर रनवे और टैक्सी वे की विड्थ जो है वो उस हिसाब से फिर रखी जाती है। जितना विंग स्पैन ज्यादा होगा उतनी वेट ज्यादा रखेंगे, जितना विंग स्पैन कम होगा उतनी वेट जो है वो कम रखी जाती है। अच्छा, जो सामने आपको स्क्रीन पे एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है उसकी कुछ पैरामीटर्स क्या है, विंग स्पैन क्या होता है, एक एयरक्राफ्ट की एक विंग से लेकर दूसरे विंग के दरमियान जो स्पेसिंग होती है दैट इज कॉल्ड द विंग स्पैन। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, व्हील ट्रेड और व्हील ट्रैक। ठीक है, व्हील ट्रेड और व्हील ट्रैक क्या है, ये जो आपने क्या किया है, ये एक जो दो गियर्स होती हैं आपके पास एयरक्राफ्ट में। ठीक है, दो गियर हैं, एक सामने वाला व्हील होता है और एक रेयर व्हील्स होती हैं। जो सामने व्हील्स होती हैं उसको हम कहते हैं नोज गियर। ठीक है, और जो पीछे की दर के जो व्हील्स होती हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मेन गियर। ठीक है, तो ये नोज गियर जो है ये सिर्फ एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में हेल्प आउट करता है, क्योंकि इसको हम स्टेयरिंग व्हील भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका वेट कैपेसिटी में या वेट कैरिंग में इसका कोई रोल नहीं है। तकरीबन 95% ऑफ द लोड ऑफ द होल एयरक्राफ्ट इज बीइंग एकोमोडेटेड और इज बीइंग ऑक्यूपाइड और इज बीइंग बेयर बाय दिस मेन गियर। ठीक है ना, 95% लोड जो है ये बर्दाश्त कर रहा होता है पूरे एयरक्राफ्ट का जो मेन गियर है, ओनली 5% लोड जो है ये इस लोड कैरिंग में कंट्रीब्यूट करता है नोज गियर।
ठीक है ना। सिर्फ ये क्या करता है, ये एयरक्राफ्ट को रोटेट करने में, उसको डायरेक्शन देने में हेल्प आउट करता है, जमीन के ऊपर, हवा में भी नहीं, ठीक है, जमीन के ऊपर ये हेल्प आउट करता है, मेन गियर है, ठीक है। अब व्हील ट्रेड या व्हील ट्रैक क्या है, जो मेन गियर के दो पहिए हैं दोनों साइड्स पे, ये मेन गियर है पीछे, तो मेन गियर जो है उसके दरमियान जो स्पेसिंग होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द व्हील ट्रेड और व्हील ट्रैक, ठीक है। जो मेन गियर गियर के दो पहिए हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम कहते हैं व्हील ट्रेड और व्हील ट्रैक, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो इसमें है वो है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से लेकर जो टेल है, टेल साइड तक जो हाइट ली जाती है एयरक्राफ्ट की, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। और इसकी ये जो मैक्सिमम हाइट है ये कहाँ पे रोल प्ले करता है, जो एयरक्राफ्ट की के लिए जो हैंगर्स बनाए जाते हैं, हैंगर्स कौन सी जगह होती है जहां पे एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग और मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है ना। तो यस सर, वहां वहां पे फिर उसके गेट्स जो हैं वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट को कंप्लीटली अकोमोडेट कर सके, तो उसमें ये मैक्सिमम हाइट देखी जाती है ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। प्लस जो है इसमें दूसरी जो चीज है दैट इज द व्हील बेस। व्हील बेस क्या होता है, एक फ्रंट व्हील है और एक रेयर व्हील है, ठीक है ना। तो फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द व्हील बेस। क्लियर होगी बात। यस सर, अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली चीजें नहीं है। जो लेंथ ऑफ द एयरक्राफ्ट है वो कहाँ पे रोल प्ले करता है, एयरक्राफ्ट के जो पार्किंग एरिया है या जो हैंगर्स हैं, तो उसकी डायमेंशन या उसकी उसकी साइज को स्पेसिफाई करने के लिए लेंथ काम आता है। फिर विंग्स मैन कहाँ पे काम आता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो पार्किंग रीजन है या जो पार्किंग एरिया है, जो गेट स्पेसिंग है उनकी विड्थ, प्लस जो सेपरेशंस हैं बिटवीन रनवेज एंड टैक्सी वेज, वो तमाम की तमाम जो है वो विंग स्पेन के हिसाब से बनाई जाती है। प्लस मैक्सिमम हाइट की मैंने आपको बात कर दी कि जो हैंगर की जो हाइट है तो वहां पे वो भी डिपेंड करता है विंग स्पेन के ऊपर। व्हील बेस क्या है, व्हील बेस इज बेसिकली ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो मेन गियर है और नोज गियर है उसके दरमियान जो सेंटर टू सेंटर फासला है दैट इज द व्हील बेस। और व्हील बेस कहाँ पे हेल्प करता है, जो टर्निंग रेडियाई होता है ना एयरक्राफ्ट का, तो उसमें ये इसके उसमें उसके डिटर्मिनेशन में ये हेल्प आउट करता है। और उस टर्न के लिए एयरक्राफ्ट को रनवे से टैक्सी वे पे शिफ्ट करने के लिए जो एंगल दिया जाता है ना, जो जिस एंगल पे रनवे और टैक्सी वे को आपस में मिलाया जाता है उसके लिए जितना एरिया स्पेसिफाई किया जाता है उसमें व्हील बेस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। जैसे यू टर्न बनाते हैं तो यू टर्न कितनी विड्थ रखी जाएगी यू टर्न की, तो उसके लिए जो विड्थ है वो एयरक्राफ्ट के व्हील बेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना आगे हम इसको डिटेल में खैर डिस्कस करेंगे। व्हील ट्रैक एक्सक्यूज ट्रैक मी जी 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 सर, ये मेन जो गियर है और ये टेल व्हील है सर, इसमें क्या डिफरेंस है? एक ही चीज है बच्चे, एक ही चीज है, ठीक है। ओके ये सर, मेन गियर टेल व्हील्स वहां पे होती हैं जहां पे मेन गियर लगा हो, ठीक है, ओके और सर, नोज गियर में फ्रंट व्हील्स होती हैं, ठीक है। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके अच्छा, जो व्हील ट्रैक है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो मेन गियर है लैंडिंग गियर, मेन गियर को लैंडिंग गियर भी कहते हैं, ठीक है, मेन गियर को लैंडिंग गियर भी कहते हैं। तो जो मेन गियर है उसके दोनों साइड पे जो व्हील्स हैं उसके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको हम व्हील ट्रेड या व्हील ट्रैक कहते हैं, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। टर्निंग रेडियस ऑफ एन एयरक्राफ्ट क्या है, बेसिकली हमारे पास एयरक्राफ्ट के लिए हम हर एक एयरक्राफ्ट की अपनी टर्निंग रेडियाई होती है। टर्निंग रेडियाई का क्या मतलब है कि जब आप इसको टर्न करते हैं तो कितना स्टेयरिंग एंगल आप घुमाते हैं, और जब आप इसको टर्न करते हैं तो रोटेशन के लिए कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर एयरक्राफ्ट को मैं टर्न करना चाहता हूं, यहाँ पे एयरक्राफ्ट है ना, इसकी व्हील को आप देखें, इसको टर्न रोटेट किया गया है, तो जब आप रोटेट करते हैं तो तभी आप एयरक्राफ्ट को मोड़ सकते हैं ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो यस उसके सर, लिए आपको चाहिए एक पूरा रीजन के, उतनी अवेलेबल रीजन, उतना अवेलेबल एरिया मेरे पास मौजूद है
के नहीं है कि जिसमें मैं एयरक्राफ्ट को आराम के आसानी के साथ रोटेट कर सकूं, टर्न टर्न कर सकूं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये जो टर्निंग रेडियाई है इसका मालूम होना जरूरी है। अगर आपको टर्निंग रेडियाई का पता है तो आप जो एंगल है टर्निंग के लिए, जो रीजन है, वो आप फिर जो है वो बना सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, या उसको एक क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या टर्निंग के लिए अवेलेबल स्पेसिंग मौजूद है। क्योंकि एयरक्राफ्ट जैसे ही लैंड करता है या टेक ऑफ करने के लिए भी उसको टैक्सीवे से रनवे की तरफ मूव करना पड़ता है। तो उस दे हैव टू टेक द टर्न फ्रॉम टैक्सीवे इनटू द रनवे। सिमिलरली लैंडिंग के बाद भी दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम रनवे टू द टैक्सी वे। तो उसके लिए भी आपको टर्निंग रेडियाई के लिए, रोटेट करने के लिए, टर्न के लिए आपको रीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए टर्निंग रेडियाई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टर्निंग रेडियाई उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले से आप उसको मालूम कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? बी टेंजेंट ऑफ 90 माइनस बीटा प्लस टी बाई टू। इसमें बी क्या चीज है? बी बी इज द व्हील बेस। व्हील बेस ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो मेन गियर है और जो नोज गियर है उसके दरमियान जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, दैट इज द व्हील बेस, ठीक है। तो बी इज द व्हील बेस। बीटा क्या है? बीटा इज द मैक्सिमम स्टेयरिंग एंगल, ठीक है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और टी क्या है? टी इज द व्हील ट्रेड और व्हील ट्रैक, ये पीछे जो पहिए हैं, जो पिछले व्हील्स हैं, जो रियर व्हील्स हैं, उनके दरमियान जो स्पेसिंग है, दैट इज द व्हील ट्रेड और व्हील ट्रैक। अब आते हैं जो स्टेयरिंग एंगल है, स्टेयरिंग एंगल की तरफ। स्टेयरिंग एंगल क्या होता है कि जब आपके पास एक एयरक्राफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको मिसाल ले ले गाड़ी की, गाड़ी के अंदर जो है वो इस तरह का स्टेयरिंग लगा होता है, ठीक है, दिस इज द स्टेयरिंग व्हील। और वो स्टेयरिंग व्हील नीचे जो है वो अटैच होता है विद द एक्सल व्हील्स, समझ आ रही है, ठीक है। अब जब आप इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो व्हील्स हैं, ये गाड़ी के नीचे जो व्हील्स हैं वो भी रोटेट होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि जितना आप कितना उसको मैक्सिमम गाड़ी के व्हील्स को रोटेट किया जा सकता है, तो यूजुअली ये 60 to 80 डिग्री तक जो ये जो है फ्रॉम द स्ट्रेट पोजीशन टू द टिल्टेड पोजीशन, जो एंगुलर पोजीशन है, ये आप रोटेट कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट जो है वो रोटेट कर सकता है 60 से लेकर 80 डिग्री तक, समझ आ रही है, ये उसकी स्ट्रेट पोजीशन है। और जब आप पूरा स्टेयरिंग घुमाते हैं तो आप मैक्सिमम अप टू 80 डिग्री तक इसको घुमा सकते हैं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, यस सर। ठीक है। अब आप जरा खुद सोचें कि जितना आपके पास जो व्हील है वो ज्यादा रोटेट होगा, तो जब ज्यादा सर रोटेट होगा तो आप शार्प टर्न ले सकते हैं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और जितना आप कम व्हील घुमाएंगे, लेट सपोज आपका व्हील जो है वो 30 डिग्री घूम गया है, तो 30 डिग्री आप घुमाते हैं तो आपको कंप्लीट यू टर्न लेने के लिए ज्यादा रीजन रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा स्पेसेस में, ज्यादा एरिया में आप टर्न लेंगे, शार्प टर्न आप नहीं ले सकते, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर तो फॉर सेफ्टी पर्पस ये जो स्टीयरिंग एंगल है ये 50 रखा जाता है फॉर डिजाइन पर्पस। डिजाइन के लिए क्या किया जाता है, ये जो ऑल्दो ये अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी 80 डिग्री तक जो है ये रोटेट कर सकता है, बट हम इसको 80 डिग्री पे नहीं लेके जाते, हम उससे भी कम 50 डिग्री तक जो है वो डिजाइन में लेते हैं, ताकि जितना कम हम लेंगे उतना ज्यादा एरिया हम प्रोवाइड करेंगे, और जितना ज्यादा एरिया हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा सेफ होगा। इज दिस क्लियर नाउ, यस सर यस सर ठीक है। तो ये जो है दिस इज इसमें हाउ द टर्न। जी ओके, अब आते हैं एक और चीज की तरफ कि सर जो ठीक है। जी, ये एयरक्राफ्ट तो ऐसे होते हैं जिसके मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट भी होते हैं जिनके सर व्हील बेस ज्यादा हो सर। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, तो जितना व्हील बेस ज्यादा होगा, ये देखें यहाँ पे देखें ना फार्मूले में देखें, बी इज द व्हील बेस एंड टी इज द व्हील ट्रेड। जितना व्हील ट्रेड ज्यादा होगा, जितना व्हील बेस ज्यादा होगा, एंगल हम 50 रखेंगे, ठीक है, फॉर एवरी एयरक्राफ्ट, तो व्हील बेस बढ़ेगा, ठीक
ठीक है, व्हील ट्रेड बढ़ेगा, उतना टर्निंग रेडियाई भी बढ़ेगा। यस सर। समझ आ रही है? तो और ये जो हम रखते हैं ये क्रिटिकल एयरक्राफ्ट के लिए रखते हैं, जो डिजाइन एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है, डिजाइन एयरक्राफ्ट कौन सा होगा? वो एयरक्राफ्ट जिसके लिए एयरपोर्ट के तमाम फीचर जो हैं वो उसी हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे। तो वो तो सबसे जो है वो हाईएस्ट इन डायमेंशन एयरक्राफ्ट होता है। जो लोएस्ट इन डायमेंशन है वो तो खुद बहुत उसमें फिर अकोमोडेट हो जाएंगे। जिस तरह आप रोड में जब आप रोड बनाते हैं तो उसमें डिजाइन व्हीकल कौन सा लेते हैं? जो सबसे हाईएस्ट इन डायमेंशन हो ना, सबसे बड़ी व्हीकल को आप लेते हैं डिजाइन पर्पज के लिए। तो वो जो छोटी गाड़ियां हैं वो तो खुद बहुत उसमें आ जाएंगी। यस सर। अच्छा, नाउ कमिंग टू द टर्निंग रेडियस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। आप एयरक्राफ्ट के लिए किस तरह जो है वो टर्निंग रेडियस जो है वो मालूम कर सकते हैं? सॉरी, टर्निंग रेडियस की तो बात हो गई, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो टर्निंग रेडियस है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। दो लाइंस, एक आपको ये वाली लाइन नजर आ रही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं विद द पेन। ठीक है, एक ये लाइन है ठीक है, और एक आपके पास ये लाइन है। ये दो लाइनें आपको चाहिए। ये दो लाइनें जहां पे मीट करेंगी उस मीटिंग पॉइंट को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लेंगे एज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ दिस होल एयरक्राफ्ट। इज दिस क्लियर? अब ये जो दो लाइंस हैं ये कौन कौन सी होंगी, कैसे लिए जाएंगी? पहली वाली जो लाइन है वो कैसे ली जाती है? अब जब ये एयरक्राफ्ट रोटेट नहीं करेगा तो उसके ये जो अगले वाले व्हील्स हैं ये बिल्कुल सीधा होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो यस सर। आप क्या करते हैं, इस व्हील को रोटेट करते हैं। कितना रोटेट करेंगे? जितना आप, जिस एंगल के लिए आप ये व्हील बेस फाइंड करते हैं। तो यूजुअली हम व्हील बेस कितने एंगल के लिए फाइंड करते हैं? 50 डिग्री 50 डिग्री के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो एयरक्राफ्ट है इसके इस टायर को 50 डिग्री के लिए रोटेट किया जाएगा। ठीक है, जब 50 डिग्री रोटेट करने के बाद इस रोटेशन रोटेटेड पोजीशन में जब जो ये व्हील आ जाएगा उसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। ठीक है, और एक लाइन जो है ये जो पिछले वाले नो मेन गियर के जो व्हील्स हैं उसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये एक्सिस लाइन जो कि मेन व्हील से नोज व्हील से निकला है, ये दोनों जहां पे मीट अप करेंगी दैट वुड बी कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ दिस होल रेडियस। इज दिस क्लियर नाउ? यहां पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि द सेंटर ऑफ रोटेशन कैन बी इजीली डिटरमिंड बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू द एक्सिस ऑफ द नोज गियर एट व्हाट एवर स्टेयरिंग एंगल इज डिजायर्ड। जो डिजायर्ड स्टेयरिंग एंगल होगा उससे एक एक्सिस लाइन खींचेंगे। ठीक है, और दूसरा लाइन कौन सा होगा? दूसरे लाइन विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ये जो ऊपर वाली लाइन है, विद अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एक्सिस ऑफ द टू मेन गियर्स। तो उसके जो टू मेन गियर्स हैं उसके सेंटर से जो एक्सिस है वो एक लाइन खींची जाएगी। तो ये जो दो लाइन आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करेगी दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वुड बी कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ रोटेशन। इज दिस क्लियर नाउ? यस यस सर। सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एयरक्राफ्ट की वेट्स के हवाले से कि वेट जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है एयरक्राफ्ट का। चूंकि वेट्स के हिसाब से एयरपोर्ट के डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनकी पेमेंट की थिकनेसेस जो है वो उस हिसाब से डिटरमाइन की जाती है, उस हिसाब से डिजाइन की जाती है। तो थोड़ा सा हम एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ वेट्स को हम डिस्कस करते हैं। वेट्स के हिसाब से कौन कौन सी वेट है एयरक्राफ्ट की? एक होता है हमारे पास ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, दूसरा हमारे पास है जीरो फ्यूल वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, तीसरा हमारे पास है मैक्सिमम स्ट्रक्चरल टेक ऑफ वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, और चौथा हमारे पास है मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ये चार वेट्स हैं हमारे पास। अब इन चारों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में
मुख्तलिफ वेट्स यूज किए जाते हैं फॉर डिजाइन पर्पस। अब आते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट की तरफ। ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट का क्या मतलब है? इट इज द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है, बट एक्सेप्टिंग और नॉट इंक्लूडिंग द पे लोड एंड द फ्यूल एंड इट इज द लाइटेस्ट मेजर ऑफ एन एयरक्राफ्ट वेट, ठीक है ना। अब ये ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट की जो बेसिक वेट होती है ना वो ली जाती है। इसमें ना पैसेंजर बैठे हो, ना लगेज इसमें मौजूद हो, ना इसके अंदर फ्यूल हो। जैसे आपके पास गाड़ी है तो बिल्कुल कंप्लीटली खाली गाड़ी का जब आप वेट करते हैं, जिसमें ना पैसेंजर अंदर बैठे हो, ना कोई सामान पड़ा हो और ना ही उसकी जो फ्यूल इसके अंदर हो, तो ये तीन चीजें इसमें अगर ना हो तो उसके दौर उस टाइम पे जो उसका वेट होता है दैट इज द ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट। अब व्हाट इज पे लोड? पे लोड किसको कहते हैं? जैसे नाम से जाहिर है पे और लोड, वो लोड जिसके लिए आप एयरक्राफ्ट की अथॉरिटीज को पे करते हैं, इसको हम कहते हैं पे लोड। लाइक एयरक्राफ्ट में जब आप ट्रेवल करते हैं तो एयरक्राफ्ट आपसे किस चीज के पैसे चार्ज करता है? जब आप खुद जाते हैं तो पैसेंजर का जो वेट, पैसेंजर की जो लोड है तो बजाते खुद वो आपसे टिकट चार्ज करता है, प्लस जो कार्गो वगैरह है, ठीक है, तो उसका भी तो एयरक्राफ्ट आपसे चार्ज करता है, ठीक है ना, जो लगेज होता है। तो बेसिकली जो लगेज है या जो पैसेंजर्स बसाते खुद हैं वो दोनों पेलोड में शुमार किए जाते हैं, ठीक है। और फ्यूल क्या है? फ्यूल तो ऑलरेडी यू नो कि एयरक्राफ्ट में अच्छी खासी फ्यूल रिक्वायर्ड होती है, फ्यूल टैंक उसका काफी बड़ा होता है और उसका अच्छा खासा वेट होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई अगर आप पेलोड और फ्यूल को आप उस एक्सक्यूज मी सर जी सर ये जो सीट 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 पेलोड में आते हैं सर? बिल्कुल नहीं, सीट पेलोड में नहीं आता, वो एयरक्राफ्ट की अपने जाती लोड में आता है, ठीक है ना। पेलोड में जिसके लिए आप पे करते हैं, जो आपसे चार्ज करता है, जो रेवेन्यू एयरक्राफ्ट की अथॉरिटीज जिससे रेवेन्यू बनाती हैं, जिससे पैसा बनाती हैं। ओके सर, ठीक है ना। तो वो जब एयरक्राफ्ट की वेट में वो उसमें तमाम चीजें शामिल है, उसकी सीटें, उसके टायर्स, उसके पूरी बॉडी, कंप्लीट एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है यार, बगैर सीटों के कौन सा एयरक्राफ्ट होता है। ओके सर, ठीक है। सो दैट इज द ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। अब जो ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जो हैंगर डिजाइन किए जाते हैं तो हैंगर के रीजन के अंदर जितने भी पेवड सर्फेसिस हैं वो ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट के लिए डिजाइन किए जाते हैं। क्यों? जब हैंगर्स के रीजन में एयरक्राफ्ट को ले जाया जाता है हैंगर रीजन में, क्योंकि हैंगर में सर्विसिंग की जाती है, तो सर्विसिंग में एयरक्राफ्ट के अंदर ना फ्यूल मौजूद होता है, ठीक है, और ना ही इसके अंदर पेलोड मौजूद होती है, ना पैसेंजर्स होते हैं, ना उसके अंदर लगेज मौजूद होता है। तो इस वजह से जो हैंगर्स डिजाइन किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जीरो फ्यूल वेट। जीरो फ्यूल वेट का क्या मतलब है? वो वेट जिसमें तमाम चीजें शामिल है, सिर्फ जो है फ्यूल नहीं है। इट इंक्लूड्स जीरो फ्यूल वेट इज द ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट, यानी एयरक्राफ्ट का अपना वेट प्लस द वेट ऑफ द पे लोड, जो पे लोड का वेट है, यानी सिर्फ फ्यूल नहीं है, बाकी एयरक्राफ्ट का अपना वेट भी है और पे लोड भी है, इसमें पैसेंजर्स और लगेज, यानी फुल कैपेसिटी के साथ इसको पूरा कर लेते हैं, भर देते हैं। तो वो जो वेट होता है दैट इज द जीरो फ्यूल वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। और पे लोड को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि द पे लोड इज अ टर्म विच रेफर्स टू द टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग लोड, ठीक है, वो लोड जो जो कि रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है, जिससे रेवेन्यू प्रोड्यूस होती है, दैट इज बेसिकली द पे लोड, ठीक है। एंड दिस इंक्लूड्स द पैसेंजर वेट एंड देयर बैगेजेस, देयर मेल एक्सप्रेसेस, द कार्गो, ये तमाम चीजें जो है वो पेलोड में आती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा और तीसरा और चौथा जो वेट है जो इम्पोर्टेंट है, ये जीरो फ्यूल वेट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें जो मेन जो एयरपोर्ट के अंदर जो रीजन है वो रनवे है। अब वो रनवे किस हिसाब से
डिजाइन किया जाता है उसमें आपके पास है मैक्सिमम स्ट्रक्चरल टेक ऑफ वेट है और एक मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट है। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा जो एयर जो रनवे है क्या वो मैक्सिमम स्ट्रक्चरल टेक ऑफ वेट के लिए बनाए डिजाइन किए जाते हैं किया जाएगा या मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। टेक ऑफ मतलब वेट का क्या मतलब है, यानी टेक ऑफ के दौरान जो एयरक्राफ्ट का वजन होता है दैट इज द टेक ऑफ वेट, और लैंडिंग के दौरान जो इसका वजन होता है दैट इज द लैंडिंग वेट। अब आप मुझे बता सकते हैं कि लैंडिंग वेट ज्यादा होगा या टेक ऑफ वेट ज्यादा होगा, और डिजाइन जो है जो रनवे है वो टेक ऑफ वेट के लिए डिजाइन किया जाता है या लैंडिंग वेट के लिए डिजाइन किया जाता है, कौन मुझे बताएगा? लैंडिंग टेक ऑफ वेट वेट टेक ऑफ ज्यादा होगा सर, सर टेक ऑफ वेट ज्यादा टेक होगा ऑफ। लैंडिंग के लिए अच्छा, सर। लैंडिंग ज्यादा होगा या टेक ऑफ ज्यादा होगा पहले मुझे ये बताएं। टेक ऑफ ज्यादा सर होगा सर, लैंडिंग टेक ज्यादा ऑफ ज्यादा होगा होगा सर, सर टेक ऑफ। दोनों सेम अच्छा, होंगे। कोई कहता है टेक ऑफ ज्यादा होगा, कोई टेक कहता है लैंडिंग ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा चले ठीक है, मैं बता देता हूँ। बेसिकली इंपल्स जो वेट है वो टेक ऑफ का ज्यादा होता है, टेक ऑफ के दौरान। ठीक है ना, व्हाई? बिकॉज जो टेक ऑफ के दौरान एयरक्राफ्ट को हम लेते हैं कि ये फुल कैपेसिटी पे मूव कर रहा है। फुल कैपेसिटी का क्या मतलब है, इसके अंदर जितनी पैसेंजर्स की कैपेसिटी है वो भी फुल है, इसके अंदर जितनी लगेज और कार्गो की कैपेसिटी है वो भी फुल है, प्लस जो इम्पोर्टेंट है वो इसके अंदर जितना फ्यूल है तो इसके फ्यूल टैंक भी फुल होता है एट द टेक ऑफ टाइम ऑफ द एयरक्राफ्ट, ड्यूरिंग टेक ऑफ ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इस वजह से जो वेट होता है एयरक्राफ्ट का वो टेक ऑफ के दौरान सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, और यही वजह है चूंकि वेट मैक्सिमम है ड्यूरिंग द टेक ऑफ, दैट इज द रीजन जो मैक्सिमम स्ट्रक्चरल टेक ऑफ वेट है उसको डिजाइन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन, यानी जितना भी रनवे वगैरह है या टैक्सीवे है वो मैक्सिमम स्ट्रक्चरल टेक ऑफ वेट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, यस सर। ओके, जो लैंडिंग वेट है वो कम होता है, ड्यूरिंग लैंडिंग द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज लेस। अब क्यों? अब बाकी चीजों को आप कांस्टेंट एज्यूम कर लें। लेट सपोज एयरक्राफ्ट जब लैंड कर रहा है तो उसका जो ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट है एयरक्राफ्ट, तो रास्ते में कोई कम नहीं हो जाएगा ना, उसका अपना वजन तो बरकरार रहेगा, प्लस उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी उसी तरह बैठे हैं जब जो टेक ऑफ के दौरान थे, प्लस इसके अंदर जो कार्गो और जो लगेज वगैरह है वो भी उसी तरह है जितना टेक ऑफ के दौरान था, तो फिर लैंडिंग के दौरान वेट क्यों कम हो जाता है? सर फ्यूल कम हो जाता है, जी ध्यान दिया यस सर। यस जी यस, सो बेसिकली इट इज लेस देन द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल टेक ऑफ वेट बिकॉज द एयरक्राफ्ट बर्न फ्यूल एंड लॉस वेट इन राउट, यानी जब वो ट्रेवल कर लेता है तो ट्रेवल के दौरान ये फ्यूल बर्न हो जाता है, और फ्यूल बर्न होने के बाद इसका जो वेट है वो कम हो जाता है। अब ये फ्यूल का अच्छा खासा वेट होता है, आप देख सकते हैं कि दिस लॉस इन वेट इज कंसिडरेबल, ये इतना छोटा वेट नहीं होता इफ द जर्नी इज लॉन्ग, बिकॉज इन एक्सेस ऑफ तकरीबन 80,000 पाउंड फॉर लार्ज जेट ट्रांसपोर्ट, तकरीबन 80,000 पाउंड जो है सिर्फ फ्यूल का वेट होता है एयरक्राफ्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप फ्यूल का वेट इसमें से कम कर लें तो ये कंसिडरेबल वेट इसमें से रिड्यूस हो जाता है लैंडिंग के दौरान। ठीक हो गया, सो इट इज देयर फॉर जो इकोनॉमिकल तरीकेकार है तो इसमें ये किया जाता है कि जो मेन गियर ऑफ द एयरक्राफ्ट है तो वो जो डिजाइन की जाती है वो किस कौन से लोड के लिए डिजाइन की जाती है, ये स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट के लिए डिजाइन किया जाता है, स्ट्रक्चरल टेक ऑफ वेट के लिए उसको डिजाइन नहीं किया जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? इसकी सर ये जो मेन गियर है, मेन गियर ये जो आपको पीछे मेन गियर नजर आ रहा है ना, ये दिस इज द मेन गियर,
तो ये जो एयरक्राफ्ट मैकेनिकल इंजीनियर जो मेन गियर डिजाइन करते हैं, क्योंकि ये मेन गियर तो सारा लोड लेता है ना, 95% लोड तो ये लेता है, ठीक है। तो लैंडिंग के दौरान इसकी स्ट्रेंथ जो है, जो लैंड लैंड जो मेन गियर की स्ट्रेंथ है, वो किस हिसाब से बनाई रखी जाती है? लैंडिंग के दौरान जो एयरक्राफ्ट का वेट होता है, उस हिसाब से इसको जो है वो बनाया जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? तो ओके सर, सर आप इन शॉर्ट मैंने तीन चीजें, तीन वेट्स आपको बताएं। एक वेट स्टूडेंट में आपका सवाल लेता हूं, एक मिनट वेट करें। एक आपके पास है ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट, तो ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट हैंगर्स जो है वो उस हिसाब से बनाए जाते हैं। दूसरा आपके पास है स्ट्रक्चरल टेक ऑफ वेट, तो रनवेज और टैक्सीवेज जो है वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं। और एक आपके पास है लैंडिंग वेट, तो जो एयरक्राफ्ट का मेन गियर है, जो पीछे मेन गियर होता है, उसका उसकी स्ट्रेंथ जो है वो जो है वो स्ट्रक्चर लैंडिंग वेट के हिसाब से रखी जाती है, ठीक है। तो ये तीन वेट्स मैंने आपको बताई, और ये भी बताया कि कौन सा वेट जो है वो कौन से डिजाइन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट, इफ इफ एनीवन इज गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन। सर, अगर हम लैंडिंग में देखें तो सर वो हाई वेलोसिटी के साथ सर हमारे पास एरोप्लेन लैंड करते, तो सर रनवे को उस हिसाब से नहीं बनाना चाहिए सर, क्योंकि इम्पैक्ट लोड उस पे सर ज़्यादा आते हैं सर रनवे पे। बिल्कुल, इम्पैक्ट लोड ज्यादा आता है, लेकिन उसकी इस इम्पैक्ट लोड में क्या होता है कि चूंकि ओवरऑल एयरक्राफ्ट का वेट, फ्यूल और ये सारी चीजें जब उसमें कॉम्पेंसेट की जाती हैं, तो तब जो है वो एयरक्राफ्ट का ओवरऑल वेट इतना रिड्यूस हो जाता है फ्यूल लॉस की वजह से, ठीक है, कि उसकी जो वेट है, ओवरऑल वेट, लेट सपोज एक वेट आपके पास है 10,000 पाउंड और दूसरा वेट है आपके पास 8,000 पाउंड, तो जो 10,000 पाउंड के लिए आप डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, तो 8,000 पाउंड के लिए तो वो बाय डिफॉल्ट डिजाइन हो गया है ना ऑलरेडी, समझ आ रही है ना। तो इस वजह से जो लैंडिंग के दौरान इसका वेट होता है वो कम होता है कंपेयर टू द जो क्या कहते हैं टेक ऑफ के दौरान। अब वो जो टेक ऑफ वाला वेट है उसी को आप एज इंपैक्ट लोड ही डील कर रहे होते हैं, उसी लैंड। अब एक इंपैक्ट लोड आपके पास है 10,000, दूसरा इंपैक्ट लोड है आपके पास 8,000, तो जब आप 10,000 के लिए डिजाइन करेंगे तो 8,000 तो खुद बहुत इसमें अकोमोडेट हो जाएगा, समझ आ रही है। मैं वेट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं वेट की बात कर रहा हूं, अमाउंट की बात कर रहा हूं, वो तो इम्पैक्ट है ऑलरेडी, हम दोनों को इम्पैक्ट लोड कंसिडर करेंगे, समझ आ रही है ना। जो आपके पास जो स्टेबल लोड होता है, ठीक है ना, उसको हम या जो यूनिफॉर्म लोड जिसको आप कहते हैं, ठीक है, उसको नहीं लेते हैं। ये जितने भी आपके पास हाईवेज हैं या जितने भी आपके पास जो ब्रिजेस हैं या जितने भी एयर रनवेज हैं, वो इम्पैक्ट लोड के हिसाब से ही डिजाइन की जाती है, ठीक है। लेकिन एक का इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट लोड की कैपेसिटी आप देखते हैं कि एक जो है 10,000 है और एक 8,000 है, तो आप खुद बताएं 10,000 के लिए मैं डिजाइन करूं तो वो बेटर है या 8,000 के लिए डिजाइन करूं वो बेटर होगा, 10,000 वाला बेटर होगा सर। ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो वेट है वो कौन सा ज्यादा होगा। एक आप देखें ऊपर से गिरा रहे हैं जमीन पे 10 किलो का वजन, और दूसरा वजन आप गिरा रहे हैं 5 किलो का, तो डेफिनेटली 10 किलो जो वजन गिराएंगे वो ज्यादा डैमेज कॉज करेगा ना सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से हम जब डिजाइन करते हैं तो वो 10 किलो वजन के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो जो 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो जितना इसके ऊपर लैंड करेगा वो ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी जो है उस हिसाब से वो उसको फुलफिल करेगा, ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। सर ये एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है तब भी तो इसका जो सारा का सारा लोड है वो इस मेन गियर पे आएगा, तो फिर ये मेन गियर हम लैंडिंग वेट के लिए क्यों डिजाइन करते हैं सर? यार मेन गियर पे लोड सारा का सारा नहीं आता लैंडिंग के दौरान। देखिए मैंने आपको बताया, जब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन मेन गियर एंड द नोज गियर, जब जब ये टेक ऑफ कर रहा होता है, ठीक है ना। टेक ऑफ करने के यस दौरान जो इसका सारा का लोड डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द मेन एंड द नोज गियर, जबकि लैंडिंग के दौरान सारा का सारा सबसे पहला, जब आप अगर वीडियोस देखें जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तो जो पहला सबसे हेवीएस्ट इंपैक्ट इसका आता है ना, वो मेन गियर के ऊपर आता है, समझ आ रही है ना? तो सबसे पहले वो जमीन को जो टच करती है वो जो व्हील्स, वो मेन गियर की होती है, नोज गियर बाद में टच कर रहा होता है, ठीक है? तो सारा सारा का सारा लोड जो है वो मेन गियर बर्दाश्त कर रहा होता है, जबकि टेक ऑफ के दौरान क्या होता है, टेक ऑफ के दौरान इसको अपलिफ्ट मिल जाती है, अपलिफ्ट की वजह से इसका ओवरऑल वेट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? जिस वजह से मेन गियर के ऊपर वो वाला लोड नहीं आता जितना लैंडिंग के दौरान आता है, समझ आ रही है ना? लैंडिंग के दौरान सारा का सारा लोड मेन गियर के ऊपर होता है, ओके सर, ठीक है? जबकि टेक ऑफ के दौरान वो मेन गियर और नोज गियर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है सर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रनवे ओरिएंटेशन, ठीक है? ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, रनवे की डायरेक्शन, रनवे की पोजीशन, ठीक है? तो जो रनवे है उसकी पोजीशन जब आप डिफाइन करते हैं, ये बहुत बड़ा जरूरी स्टेप है इन द एयरपोर्ट प्लानिंग। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप रनवे की लोकेशन या रनवे की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, लेट सपोज मेरे पास जो रनवे है वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है? लेट सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रनवे, तो उस हिसाब से फिर मैं एप्रॉन, यहाँ पे एप्रॉन रीजन होगा, यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाएगा, सारी की सारी चीजें इस हिसाब से रनवे की डायरेक्शन के हिसाब से बनाई जाती है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना? और अगर आपके पास जो है रनवे इस डायरेक्शन में होगा, लेट सपोज, तो तब जो है पूरे एयरपोर्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी पोजीशंस और उनकी लोकेशंस चेंज हो जाएगी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो रनवे की डायरेक्शन है या रनवे की ओरिएंटेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल एयरपोर्ट की डिजाइन में, ओवरऑल एयरपोर्ट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की प्लानिंग में, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस वजह से जो रनवे की डायरेक्शन है वो सबसे पहले डिसाइड की जाती है इन द एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है? अब ये जो ये रनवे आप बनाते हैं, तो वो कैसे ओरिएंटेशन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है विंड, ठीक है? विंड के हिसाब से जो है इसको उसको ओरिएंटेशन को डिसाइड किया जाएगा। उसके लिए आप 5 to 10 ईयर्स का डेटा, विंड डेटा फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लेते हैं, और उस विंड डेटा को उससे उसके उस वो विंड रोज डायग्राम की शक्ल में होता है, और विंड रोज डायग्राम जो है उससे फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो रनवे है वो किस डायरेक्शन में होगा। अब ये कैसे आप करते हैं आगे हम को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपके पास हम डिस्कस करेंगे कि विंड की डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। डायरेक्शन के हिसाब से विंड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास है हेड विंड, दूसरा आपके पास है टेल विंड, और तीसरा आपके पास है क्रॉस विंड। अब हेड विंड क्या है? द विंड दैट इज ब्लोइंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेड और नोज ऑफ एयरक्राफ्ट। हेड विंड का मतलब ये है वो विंड जो कि टूवर्ड्स द हेड, यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द एयरक्राफ्ट, जो वो विंड जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट हो या टूवर्ड्स द हेड ऑफ द एयरक्राफ्ट हो, दैट इज बेसिकली द हेड विंड। टेल विंड कौन सी होती है? वो विंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेल और इन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिस डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जब विंड ब्लो करती है, दैट इज द टेल विंड। और तीसरा आपके पास है क्रॉस विंड। क्रॉस विंड कौन सा होता है? वो विंड जो आपके पास विच इज एट अ सर्टन एंगल टू द मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट है वो एयरक्राफ्ट के मूवमेंट की पे से किसी एंगल पे हो, मतलब वो कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 60, 50, 80, 100, 90, कोई भी एंगल आपके पास हो सकता है, बट इफ इट इज एट अ सर्टन एंगल, if that is blowing at a certain angle to the movement of the aircraft, that is the crosswind. So three winds hai aapke paas, head wind towards the head, tail wind towards the tail, crosswind at a certain angle. ab aap mujhe ye bataye ki
एयरक्राफ्ट के लिए जब हम रनवे बनाएंगे तो कौन सा विंड जो है वो इंपॉर्टेंट है? शाबाश, हेड विंड इंपॉर्टेंट है, क्रॉस विंड इंपॉर्टेंट है, या टेल विंड इंपॉर्टेंट है? इवेंट सर नो जी, किस डायरेक्शन में रनवे होगा? हेडविंड की डायरेक्शन में, सर, टेलविंड की, या क्रॉस हेडविंड विंड? की डायरेक्शन में होगा सर। हेडविंड जी, थोड़ा सा लाउडली बोले। टेलविंड डायरेक्शन में सर, की डायरेक्शन में होगा सर। कौन कहता है हेडविंड? जी, सर मैं कह हेडविंड वाले रहा कौन है और टेल विंड वाले? अच्छा, मुझे जरा एक्सप्लेन करें व्हाई टेल विंड इज इंपॉर्टेंट। सर, फ्रिक्शन कम होगी ना सर, अपोजिट फोर्स कम होगी सर, तो आसानी से। अच्छा, और व्हाई इट इज टेकन, जो हेड विंड वाले हैं वो, उनका क्या राय है? जी, व्हाई हेड विंड सर जो कह रहे हैं? जी हेडविंड की वजह से सर, जब हमारे पास जब रनवे पे जाएगा सर, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से सर वो अपलिफ्ट उसको मिलेगी सर। कैन यू रिपीट इट अगेन? सर जब विंड के अपोजिट डायरेक्शन में सर वो मूव करेगा, तो सर तभी उसको सर अपलिफ्ट में हेल्प मिलेगी सर, उसको प्रेशर डिफरेंस की वजह से। गुड 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 जुबैर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिन्होंने कहा है कि टेल वेंट, तो मैं या उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया भी है इन द नोट्स। इसमें जो रनवे बनाया जाता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द हेड विंड बनाया जाता है, ठीक है? जो हेड विंड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ड्यूरिंग, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ब्रेकिंग इफेक्ट ड्यूरिंग लैंडिंग। जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है लैंडिंग के दौरान, तो ये क्या करता है, ये एयरक्राफ्ट के ऊपर ब्रेकिंग इफेक्ट जो है वो अप्लाई करता है, और ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से कम लेंथ, कम रनवे लेंथ रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर फॉर द एयरक्राफ्ट टू स्टॉप। समझ आ रही है ना? तो हेडविंड जो है लैंडिंग के दौरान, तो ये हेल्प आउट करता है, ब्रेकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। समझ आ रही है? जबकि लैंडिंग के दौरान क्या करता है, टेक ऑफ के दौरान, इट गिव्स ग्रेटर लिफ्ट ऑन द विंग्स ड्यूरिंग टेक ऑफ, ठीक है ना? क्या करता है ये देखें, लैंडिंग के दौरान, सॉरी, टेक ऑफ के दौरान जब ये हवा में उड़ता है, तो ये हेडविंड नीचे से अपलिफ्ट फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। वो अपलिफ्ट फोर्स जो है वो क्या करता है, वो इसको ऊपर उड़ने में हेल्प आउट, इन ऑर्डर टू टेक फ्लाइट, फ्लाइट पकड़ने में हेल्प आउट करता है, ठीक है? तो आप जो कह रहे हैं कि टेल विंड, तो टेल, हमें जमीन के ऊपर इसकी स्पीड नहीं चाहिए कि ये ज्यादा स्पीड ले, ठीक है? हमें तो इसको हवा में उड़ना उड़ाना है, तो हवा में उड़ाने के लिए टेल विंड हेल्प आउट नहीं करता, ठीक है ना? टेल विंड इसको आगे मूव करने में तो हेल्प आउट करता है, लेकिन हवा में उड़ाने में हेल्प आउट नहीं करता। और टेक ऑफ के दौरान इसको, इसकी मैक्सिमम इंजन कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम इंजन कैपेसिटी पे रन कर रहा होता है, क्योंकि इसको हवा में उड़ना होता है। तो हवा में उड़ाने के लिए ये जो विंड, हेड विंड है, ये इसको हेल्प आउट करता है, और इसको जो है वो, इसकी जो यहाँ पे जो नीचे विंग्स हैं, या जो नीचे एयरक्राफ्ट का जो बॉडी है, वो इसको एक अपलिफ्ट फोर्स अप्लाई करता है ये विंड, और वो उसको फ्लाइट पकड़ने में, तो ये कम लेंथ में ये अपना, और कम स्पीड के साथ ये अपना फ्लाइट पकड़ लेता है। समझ आ रही है? तो हेड विंड हैज अ वेरी ह्यूज रोल इन बोथ ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड ड्यूरिंग लैंडिंग। अब इसमें जो सबसे डेंजरस है वो आपके पास है टेक क्रॉस विंड, क्योंकि ये क्रॉस विंड क्या करता है, ये एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है, तो ये क्रॉस विंड सबसे खतरनाक होती है, ठीक है? इससे एक्सीडेंट की चांसेस भी हो सकती हैं, ठीक है? और दूसरा आपके पास क्या है, टेल विंड। टेल विंड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इंक्रीजिंग द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड लिफ्ट ऑफ फोर्स डिस्टेंस भी इंक्रीज कर लेता है। जब डिस्टेंस इंक्रीज कर लेता है, तो आपका अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, आपको ज्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। ये देखें, ये इसकी स्पीड बढ़ाता है, तो आपको अपनी एयरक्राफ्ट को रोकने में के लिए
ज्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू कंप्लीटली स्टॉप द एयरक्राफ्ट। जब ज्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वो तो डेंजरस भी है और अनइकोनॉमिकल भी है, ठीक है ना। दैट इज व्हाई हेड वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बोथ द टेक ऑफ एंड द लैंडिंग। यहाँ पे जो बात कही गई है कि रनवे लेंथ जो है तकरीबन 10% डिक्रीज हो जाता है अगर आप हेड विंड की डायरेक्शन में विंड रनवे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें 10% और सेफ बना देता है आपके लिए हेड विंड एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को लैंडिंग के दौरान भी और टेक ऑफ के दौरान भी। इज दिस क्लियर? तो अब कौन, अब अगर आपसे कोई पूछे कि थ्री विंड्स डायरेक्शन है हेड टेल और क्रॉस, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? हेड, ठीक है। और ऑलरेडी उसकी एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं कि टेक ऑफ के दौरान ये क्या मदद प्रोवाइड करता है और लैंडिंग के दौरान ये क्या मदद प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? विंड कवरेज। व्हाट इज विंड कवरेज? विंड कवरेज का मतलब ये है कि इट इज द परसेंट ऑफ टाइम इन अ ईयर ड्यूरिंग विच द क्रॉस विंड कंपोनेंट रिमेन्स विद इन द लिमिट। And ICAO and FAA recommends minimum wind coverage of 95%. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस विंड में कि makes an angle with the direction of the aircraft movement, वो विंड जो किसी खास एंगल पे हो to the aircraft movement वो क्रॉस विंड कहलाती है। If this component is more than aircraft, may not maneuver safely. अगर ये जो क्रॉस विंड है ये एक खास लिमिट से तजावज कर जाए इसकी स्पीड, तो फिर एयरक्राफ्ट जो है वो सेफली मेन्योर या सेफली अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता, डेंजरस होता है फॉर इट्स सेफ मूवमेंट। तो इसकी जो लिमिट है वो क्या है? जनरली इट शुड नॉट बी मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर या 15 miles per hour। ये जो स्पीड है विंड की, क्रॉस विंड की, क्रॉस विंड तो होगी, हमेशा होगी क्रॉस विंड, लेकिन अगर उसकी स्पीड क्रॉस विंड की, ये क्रॉस विंड की स्पीड अगर 25 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर जाए तो तब वो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट के लिए क्या होती है? खतरनाक होती है। अगर 25 किलोमीटर पर आवर से या 15 माइल, दोनों एक ही चीज है, अगर उससे इस क्रॉस विंड की स्पीड कम है तो तब ये एयरक्राफ्ट के मोमेंट के लिए डेंजरस नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब विंड कवरेज का क्या मतलब है? विंड कवरेज का मतलब ये है कि अगर हम एक साल ले लें, लेट सपोज वी टेक 365 डेज, ठीक है, इफ वी टेक, लेट सपोज हम 100 डेज का डेटा ले लें, 100 डेज, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान है, या फिर हम चलो आगे मैं साल का भी एक्सप्लेन कर लेता हूं। लेट सपोज हम 100 डेज का डेटा ले लें। अब 100 डेज में सिर्फ 3 डेज ऐसी आती हैं, 3 डेज, जिन इन 3 दिनों में 3 दिन ऐसे हैं जहां पे ये 100 दिन भी क्रॉस विंड होगा, लेकिन उनमें 3 दिन क्रॉस विंड ऐसी होती हैं जिनकी जहां जब इनकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है। 3 दिन ऐसे हैं 100 दिनों में जब क्रॉस विंड 25 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो ये 100 दिन भी क्रॉस विंड था, लेकिन इन 100 दिनों में सिर्फ 3, बाकी 97 दिन क्या था? विद इन द लिमिट था। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन 3 दिन ऐसे आए जो लिमिट से बाहर हो गया, यानी स्पीड जो थी वो 25 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गई। अब ये 3 दिन जो थे ये खतरनाक दिन है। समझ आ रही है? अब हम क्या करते हैं, अब इनका ये जो जिन जितने दिनों के लिए ये विद इन द लिमिट था, तो कितने दिनों के लिए ये विद इन द लिमिट था? 97 डेज के लिए। तो आउट ऑफ 100, 97% ऑफ द टाइम द क्रॉस विंड वॉज ए विद इन द लिमिट, and this time would be called as the wind coverage. वो time, जितने time के लिए ये cross wind within the limit था, तो उसको हम कहते हैं wind coverage. अब 95, जो ICAO है वो और FAA है, दोनों इदारे हैं, वो कहती हैं
कि अगर आप रनवे की डायरेक्शन ऐसे रखते रखनी है आपने कि 95% ऑफ द टाइम जो क्रॉस विंड है वो विद इन द लिमिट हो, यानी वो 25 किलोमीटर पर आवर से कम हो, 5% तक उन्होंने लिमिट जो है वो मार्जिन दिया है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर 5% तक उन्होंने मार्जिन दिया है, लेकिन अगर ये 95 से कम है तो फिर आपने क्या करना है, आपने हर सूरत में ऐसा रनवे की डायरेक्शन रखनी है कि आपके पास क्रॉस विंड जो है वो फिर 25 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड ना करें। सेम इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इनटू 365 डेज। अगर आपके पास पूरा साल है तो पूरे साल में लेट सपोज 10 डेज ऐसे आते हैं जिसमें आपके पास जो स्पीड है वो 25 से बढ़ जाती है, क्रॉस विंड की बात कर रहा हूं, और बाकी जो दिन है आपके पास 355 डेज वो विद इन द लिमिट है, तो उसकी आप परसेंटेज निकालें। अगर ये 95% से कम है तो इसका मतलब है कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है रनवे की, और अगर ये 95% से ज्यादा है तो फिर इसका मतलब 95% ऐसे कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो और इसको हम कहते हैं विंड कवरेज, ठीक है ना, कि कितने टाइम के लिए ये विद इन द लिमिट था, दैट परसेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द विंड कवरेज। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ओके ओके। अब आते हैं काम पीरियड की तरफ। व्हाट इज काम पीरियड? काम पीरियड किसको कहते हैं? आप देखें पूरे साल विंड तो ब्लो करती है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में और विंड की मुख्तलिफ स्पीड्स भी होती हैं, लेकिन अगर अगर ये विंड की स्पीड चाहे जिस डायरेक्शन में भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, अगर उसकी स्पीड 6.4 किलोमीटर पर आवर, या अगर हम माइल में इसको लें तो ये बराबर है 4 माइल्स के, 4 माइल्स पर आवर, 4 mph इसको कहते हैं। अगर ये 4 माइल्स पर आवर है या 6.4 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसकी ये कंडीशन है, स्पीड इसकी 6.4 या 4 माइल पर आवर से कम है, तो इसको फिर हम कहते हैं कि विंड को का कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड दैट वुड बी टेकन एज द काम पीरियड। इज दिस क्लियर नाउ? इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, चाहे जिस डायरेक्शन में भी विंड ब्लो करें, अगर इसकी स्पीड 6.4 किलोमीटर पर आवर से या 4 माइल पर आवर से कम है, तो इसको फिर हम उस विंड को हम लेते हैं एज अ काम पीरियड। ठीक है, समझ आ रही है? ये जहाँ तक ये ठीक होगा, या उससे ज्यादा होगा तो फिर डेंजरस होगा। नहीं, डेंजरस की बात नहीं है बच्चे, यहाँ पे डेंजरस की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे सिर्फ स्पीड की बात हो रही है कि अगर 6.4 से इसकी स्पीड ज्यादा है तो फिर उसको हम किसी डायरेक्शन में स्पेसिफाई करेंगे, उसको लेंगे कि या ये हेड विंड है, क्रॉस विंड है, टेल विंड है, उसको हम एक डायरेक्शन देंगे, उसको एज्यूम करेंगे कि ये एक डायरेक्शन में है। अगर 6.4 से कम है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये काम पीरियड में काउंट किया जाएगा, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द एयरक्राफ्ट मूवमेंट, ना ना हेड विंड में ये काउंट होता है, ना टेल विंड में काउंट होता है, ना क्रॉस विंड में काउंट होता है। ओके सर। अब समझ आ गई? अब यहां पे खैर है, आपको मैं समझा देता हूं, आगे विंड रोज डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। ये आपके पास है विंड रोज डायग्राम। व्हाट इज विंड रोज डायग्राम? विंड रोज डायग्राम बेसिकली एक ग्राफिकल टूल है, एक ग्राफिकल डिस्प्ले है। किस चीज का ग्राफिकल डिस्प्ले है? विंड स्पीड का और विंड डायरेक्शन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? विंड रोज डायग्राम क्या है अगर आप कोई पूछे? इट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले। ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ व्हाट? ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ विंड स्पीड। इससे हमें विंड स्पीड का पता चल जाता है इस डायग्राम से, और विंड की डायरेक्शन का पता चल जाता है, ठीक है? और ये एयरक्राफ्ट की ओरिएंट सॉरी एयरपोर्ट के जो रनवे ओरिएंटेशन है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब इसमें क्या किया जाता है विंड रोज में? ये विंड रोज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक रोज की शक्ल का होता है, एक फूल फूल की शक्ल का होता है, और हम क्या करते हैं, हम कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, और कंसेंट्रिक सर्कल्स को 16 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। यहां पे आप देखें, ये देखें
व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्कल? कौन मुझे बताएगा व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्कल? सेंटर कॉमन होगा सारे सर्कल की सर। यस, वो तमाम सर्कल्स का इफ दे हैव अ कॉमन सेंटर दैट वुड बी कॉल्ड एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए, एक तो ये इट्स जस्ट गिविंग अ शेप ऑफ अ रोज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड विन रोज डायग्राम। इसमें क्या किया जाता है, हम कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और वो कंसेंट्रिक सर्कल्स तमाम कंसेंट्रिक सर्कल्स को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये टोटल एंगल आपके पास कितना है, 360 डिग्री है कि नहीं है? यस सर। अगर 360 डिग्री को आप 16 पे डिवाइड करें तो हर एक सेक्शन का जो एंगल है वो 22.5 डिग्री बनता है। तो ये हर एक एंगल जो ये है ये भी 22.5 है, ये 22.5 एंड सो ऑन। तो तमाम जो है उसको 16 इक्वल पार्ट्स में या 22.5 डिग्रीज पे एक एक लाइन खींची जाती है और 16 इक्वल पार्ट्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके, अब इसमें क्या किया जाता है कि यहां पे अगर आप देखें, आपके पास देखें मुख्तलिफ कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, हर एक कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो विंड स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये जो पहला सर्कल है इसके सामने लिखा हुआ है 4, इसका मतलब क्या है कि पहला सर्कल 4 माइल्स पर आवर की विंड स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 माइल्स पर आवर की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा 20 माइल्स को, चौथा 25 को और पांचवा 35 माइल्स पर आवर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे अगर आप देखें, अगर विंड जो है 4 से 15 के दरमियान ब्लो करती है तो वो इस रीजन में लाए करेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर 15 से 20 के दरमियान ब्लो करेगा तो वो इस रीजन में लाए करेगा, और 20 से 25 इस रीजन में, सिमिलरली 25 से 35 इस रीजन में लाए करेगा। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 3.0। व्हाट डज दिस 3.0 मीन? देखिए यहां पे 3.0 लिखा गया है, व्हाट डज दिस 3.0 मीन? कौन मुझे बताएगा? एनी गेस, गेस लगा लें, खैर है, जो बताएगा उसको एडिशनल में 2 मार्क्स दूंगा फाइनल टर्म में। ये डिस्टेंस होगा सेंटर से 3 मीटर। क्या चीज? डिस्टेंस होगा सेंटर से 3 मीटर। डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा। Anybody else? Any guess? Any intellectual mind? Sir, इस direction से 3 miles per hour पर extra wind move करेगी sir. Additional sir, 20 के साथ additional. Anybody else? Any further guesses? Sir, speed होगा. Speed होगा. जी, anybody else? 2 मार्क्स पे आपका ग्रेड भी चेंज हो सकता है फ्रॉम बी टू बी प्लस। एडिशनल 2 मार्क्स फाइनल टर्म में मैं दूंगा इंशाल्लाह, इफ समबडी हैज अ गुड गेस। ओके, तो देयर इज नो वॉलंटियर, चले मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे अगर आप देखें, इस 3 का मतलब ये है कि जो विंड की डायरेक्शन थी, ये लेट सपोज आप ये बना रहे हैं पूरे साल के लिए, फॉर द होल कंप्लीट ईयर, तो पूरे साल में सिर्फ 3% ऑफ द टाइम जो था, 3% ऑफ द टाइम विंड की डायरेक्शन क्या थी, टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, और उसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, बिटवीन 20 एंड 25। द विंड स्पीड वॉज बिटवीन 20 एंड 25, the direction was towards southeast and the percentage of time was 3. the percentage of time ki maine yahan pe aapko explain kiya hai, yahan pe kahan pe explain, abhi thodi der pehle aapko explain kiya tha wind coverage mein ki 100 days hai aapke paas, to un 100 days mein kitne time ke liye jo hai wo wind ki direction kya thi, to ye 100 days mein agar 3 days ki ye direction thi to iska matlab kya hai, 3% of the time jo tha wo direction ye thi, स्पीड उसकी 15-20 से 25 थी और जो है वो डायरेक्शन उसका साउथ ईस्ट था। क्लियर होगी बात? यस सर।
अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें ये पूरा टेबल है, इसी टेबल से वेन रोल डायग्राम बनता है। ये देखें आपके पास 16 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ 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 ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट 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 साउथ ईस्ट एंड सो ऑन। ये 16 डायरेक्शन है, हर एक डायरेक्शन का एक एंगल है जो कि 22.5 डिग्री है, ठीक है ना। अब आप देखें अगर हम सिर्फ नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में देखें 4 से 15 माइल्स पर आवर की स्पीड के नीचे लिखा हुआ है 2.4, 15 से 20 के सामने लिखा हुआ है 0.4, 20 से 25 के सामने लिखा हुआ है 0.1, 25 से 35 के दरमियान लिखा हुआ है 0 और टोटल लिखा हुआ है 2.9। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो पूरे साल में नॉर्थ डायरेक्शन में जब विंड ब्लो कर रही थी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 4 से 15 के दरमियान स्पीड थी कितने टाइम के लिए? 2.4% ऑफ द टाइम के लिए। 2.4% ऑफ द टाइम का तो पता है ना, ये जो मैंने 100 डेज वाली एग्जांपल दी। यस सर, ठीक है। तो ये 2.4% ऑफ द टाइम जो था वो स्पीड क्या थी? 4 से 15 के दरमियान, और डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ। सिमिलरली इस सेम डायरेक्शन में जो स्पीड थी 15 और 20 के दरमियान, सिर्फ 0.4% ऑफ द टाइम के लिए स्पीड 15 से एक्सीड कर गई थी और 20 के नीचे थी, और सिर्फ 0.1% ऑफ द टाइम जो था वो स्पीड 20 से एक्सीड करके 25 से नीचे नीचे थी, लेकिन 20 से एक्सीड कर गई थी, और 25 से एक्सीड कभी नहीं गई पूरे साल में। 25 से एक्सीड कभी नहीं गई। अब टोटल जो डायरेक्ट टाइम था वो था 2.9, अगर हम इन सबको समाप्त करें। अब इस 2.94 को इस ग्राफ में मैं कहां पे शो करूंगा? शाबाश, कौन मुझे बताएगा 2.4 को ग्राफ में कहां पे शो किया जाएगा? सर नॉर्थ में, जो कहां पे? नॉर्थ में, नॉर्थ में कहां पे? यहां पे। नो सर, इसके नीचे। यहां पे। गुड, ये देखें, दिस इज 2.4। क्या इज दिस राइट? यहां पे इसमें देखें 2.4, सही है? नजर आ रही है कि नहीं आ रही? यस यस सर, आ रही। ठीक है, अब आगे जो है वो 0.4 है, ये कहां पे मैं शो करूंगा? ये भी टुवर्ड्स नॉर्थ ही होगा, लेकिन कौन से रीजन में होगा? 15 और 20 वाली लाइन के बीच में होगा, ऐसा है कि नहीं है? Yes, ये देखें, ये भी 15 और 25 के बीच में है, और जो है टूवर्ड्स नॉर्थ। और नेक्स्ट 0.1 कहां पे शो होगा? ये सही है, 20 एंड 25 के दरमियान 0.1, और उससे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्या है? यहां पे जीरो है। इज दिस क्लियर? 25 और 35 के बीच में जीरो शो किया गया है। तो क्या आप इस डेटा से विंडरोज डायग्राम बना सकते हैं फ्रॉम लुकिंग इनटू दिस डेटा? यस सर। हाँ, अब आप मुझे ये बताएं, ये देखें, नॉर्थ डायरेक्शन में 2.9 थी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 5.7 थी, अब जब सबको मिलाया गया तो ये 91.9 थी, लेकिन टोटल तो हमने 100 था, तो बाकी किधर चला गया? वो काम एग्जैक्टली 91.9% जो था वो विंड की स्पीड 4 माइल पर आवर से ज्यादा थी, जबकि 8.5% ऑफ द टाइम विंड की स्पीड 4 से कम थी, तो वो किसी डायरेक्शन में भी नहीं लिया गया, उसको किसी भी डायरेक्शन में काउंट नहीं किया गया। समझ आ रही है ना? क्योंकि स्पीड जो थी वो 4 माइल्स पर आवर से कम थी, तो उसको आप देखें, ये जो पहला सर्कल है, ये जो आपको पहला सर्कल नजर आ रहा है, इसके अंदर देखिए कोई सेपरेशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। क्यों डिवाइड नहीं किया? कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको काम पीरियड में लेते हैं, ठीक है ना। बाकी देखें, हर एक को डिवाइड किया गया, तो इसका मतलब है कि हर एक का एक डिफाइंड डायरेक्शन है। समझ आ रही है ना? इसके अंदर कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, तो दैट इज व्हाई ये जो 8.1 था दैट वाज इन काम पीरियड, बिकॉज द स्पीड वाज बिलो 4 माइल पर आवर और द स्पीड वाज बिलो 6.4 किलोमीटर पर आवर। इज दिस क्लियर? यस सर।
यस सर ठीक है. तो इफ यू इफ यू इफ यू नो दिस टेबल यू कैन इजीली फाइंड के जो है आप आपका विंड रोज डायग्राम आप कैसे बनाना है और कैसे बना सकते हैं. इज दिस क्लियर नाउ? यस सर. यस सर. यस सर. थोड़ा ब्रेक दे सर. ब्रेक नहीं यार, ब्रेक की क्या जरूरत है, खुदा के बंदे मैं तो कह रहा था आज आप ब्रेक का नाम भी नहीं लोगे. यस सर, ब्रेक नहीं चाहिए सर. क्योंकि आज तो समझ आ रही है आप सबको, तो फिर ब्रेक का नाम क्यों? ब्रेक की जरूरत तो तब पड़ती है जब लड़के बोर हो जाते हैं. यस सर. इंटरेस्टिंग है सर. नहीं आज के लिए सर, दे दे सर. कंटिन्यू करें सर. ब्रेक दे दूंगा, खैर थोड़ी देर बाद मैं नमाज का ब्रेक वैसे दूंगा क्योंकि फिर नमाज कजा हो जाती है, तो 15-20 मिनट्स के लिए ब्रेक दूंगा. लेकिन अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं कि ये बीच में ये जो जिस जगह पे हम छोड़ रहे हैं ये जगह सही नहीं है, यहाँ पे सारा स्लो ब्रेक हो जाएगा. जब उससे नए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे विद इन द सेम लेक्चर तो वहां पे मैं ब्रेक दे दूंगा. ठीक है. थैंक यू सर. ओके आगे बढ़ते हैं. ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि कैसे हमने विंड रोज डायग्राम बनाना है. विंड रोज डायग्राम के बाद हमने इसके ऊपर रनवे साइड करना है कि रनवे मेरे पास किस डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ में हो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हो, कौन सा डायरेक्शन मेरे पास सुटेबल है फॉर रनवे डायरेक्शन. समझ आ रही है ना? तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि आप एक स्ट्रिप बनाते हैं इस तरह. ये एक रनवे का स्ट्रिप है, समझ आ रही है? ये एक स्ट्रिप हमने बना लिया. इस स्ट्रिप को सेम स्केल पे बनाते हैं जिस स्केल पे ये विंड रोज डायग्राम बनाते हैं. ठीक है ना? ये स्केल का क्या मतलब है? स्केल का मतलब ये है कि ये देखें 4 से 15 के दरमियान या 15 से 20 के दरमियान 5 डिजिट्स है ना, तो ये देखें कितनी स्पेसिंग रखी गई है. 25 से 15 35 के दरमियान 10 है, तो ये देखें ये स्पेसिंग रखी गई है. तो ये तो एक खास स्केल पे बनाया गया है ना, समझ आ रही है? अब 25 आप क्या लेते हैं, 15 माइल पर आर लेते हैं एक, और एक सेंटर लाइन खींचते हैं. सेंटर लाइन के एक साइड पे 15 स्पेसिंग दी जाती है माइल पर आर की, और दूसरे साइड पे भी 15 माइल पर आर की स्पेसिंग दी जाती है, और उससे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया जाता है, बना दिया जाता है. इज दिस क्लियर नाउ? कि ये 15 कैसे मैं लूंगा? 15 ऐसे लूंगा, अगर आप देखें स्केल के हिसाब से ये जो 20 और 35 के दरमियान फासला है यहां से यहां तक, ये 15 के बराबर है कि नहीं है? यस सर. तो ये जो यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान जो फासला है, वही फासला इस सेंटर लाइन के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी रखा जाएगा, जो कि 15 माइल पर आर के बराबर होगा. इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? कि ये स्ट्रिप कैसे बनाया जाता है? सर इसमें सिर्फ ये लास्ट जी जी एक बंदा बोले प्लीज. सर ये सेकंड रेडियस है वो भी 15 है ना सर, इतना ही लेंगे? बिल्कुल, एक साइड पे भी 15 और दूसरे साइड पे भी 15, ये भी 15 के बराबर है ना, इक्वल स्पेसिंग लेंगे. सर ये हम आखिरी दो लाइनों के लिए क्यों ले रहे हैं सर? क्या मतलब आखिरी दो लाइनों के? यार मैं सिर्फ स्केल की बात कर रहा हूँ, लाइनों की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं स्केल की बात कर रहा हूँ कि ये जो 15 से 20 के दरमियान जो है वो 5 माइल पर आर का डिफरेंस है कि नहीं है, तो उसके लिए इतनी स्पेसिंग रखी जाती है. वो स्केल का नहीं पता यार, ड्राइंग में आप लोगों नहीं पढ़ा. ड्राइंग में क्या करते हैं, लेट सपोज हम लेते हैं 1 माइल पर आवर को, जैसे मैं लिख लेता हूं 1 माइल पर आवर को, मैं यूज 1 माइल पर आवर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल. समझ आ रही है? तो 15 माइल पर आवर क्या होगा? 15 मिलीमीटर. यस, 15 माइल पर आवर 15 मिलीमीटर के बराबर होगा कि नहीं? ये मैं स्केल की बात कर रहा हूँ, खुदा के बंदे आप क्यों समझ नहीं पा रहे? तो ये 15 क्यों लिया है सर, इससे ज्यादा? नहीं, मैं 15 इसलिए ले, हाँ अच्छा 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 ठीक है,
ठीक है, तो जिस स्केल के ऊपर ये बनाया गया है, अभी मैं 15 को बताना चाहता हूं, 15 को एक्सप्लेन करूंगा कि वाई 15, ठीक है। तो ये देखें, जिस स्केल के ऊपर ये विंडरोज बनाते हैं उसी स्केल के हिसाब से ये 15 और ये 15 दोनों साइड पे 15 15 माइल पर आर की स्पेसिंग रखी जाती है। अब वाई 15, 15 क्यों? 15 इसलिए, यहां पे आप पीछे आए, पीछे क्रॉस विंड में देखें, क्रॉस विंड में क्या बात की गई है कि हम चाहते हैं कि विंड रनवे की ऐसी डायरेक्शन हो जिसमें क्रॉस विंड जो है वो 15 माइल पर आर से कम हो, क्योंकि अगर 15 माइल पर आर से स्पीड इंक्रीज कर जाती है तो फिर क्या नुकसान होगा, वो विंड खतरनाक होगी, मोमेंट को डिस्टर्ब करेगी, सेफ्टी को डिस्टर्ब करेगी, और अगर 15 से कम कम है तो वो क्रॉस विंड जो है फिर वो खतरनाक नहीं है। इज दिस क्लियर नाउ? तो हम यहां पे जो स्ट्रिप लेते हैं ये क्या लेते हैं, ये 15 15 माइल पर आर की ये स्ट्रिप्स ले लेते हैं कि अगर विंड इसके अंदर अंदर है तो वो डेंजरस नहीं है, जो इसके बाहर होगी वो 15 से एक्सीड करेगी एंड दैट वुड बी डेंजरस, वो क्रॉस विंड जो है वो फिर खतरनाक होगी। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है, अब आते हैं, जब आप ये स्ट्रिप बना लेते हैं तो इस स्ट्रिप को क्या किया जाता है, इसको आप इस तरह प्लेस कर लेते हैं, इसको आप विंडरोज डायग्राम पे इस तरह रख लेते हैं। जब आप विंडरोज डायग्राम पे रखते हैं तो इससे क्या होगा, क्रॉस विंड कौन सी विंड होती है, ये कौन सी विंड होगी, ये वेस्ट वाली, ये आइदर वेट हेड और टेल होगी कि नहीं होगी? यस सर। ये ईस्ट वाली भी आइदर हेड और टेल होगी का ना कि नहीं? यस सर। अब क्रॉस विंड कौन सी होती है, जो किसी खास एंगल पे हो, तो ये सारा का सारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये तमाम के तमाम किस में काउंट होंगी, क्रॉस में काउंट होगी कि नहीं होगी? यस सर। इसके साथ साथ ये जो इस साइड पे तमाम है ये भी क्रॉस विंड में काउंट की जाएगी। क्लियर है? Yes, अब क्रॉस विंड में, क्रॉस विंड में खतरनाक कौन सी विंड है, जो इस स्ट्रिप से बाहर है, ठीक है ना, क्योंकि जो इस स्ट्रिप से बाहर आ रहा है उसका मतलब क्या है कि 15 किलोमीटर 15 माइल पर आर से स्पीड उसकी ज्यादा होगी, क्रॉस भी है और स्पीड भी 15 माइल पर आर से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो क्रॉस विंड जो है वो डेंजरस है। सिमिलरली यहां पे जो स्ट्रिप से बाहर है वो भी क्रॉस भी है, क्रॉस विंड तो ऑलरेडी खतरनाक है, लेकिन मजीद खतरनाक तब है क्योंकि ये 15 माइल पर आर से इसकी स्पीड ज्यादा है। अब समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, तो ये देखें, अब इसके अंदर अंदर जो है तमाम, जो अब आप काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द विंड कवरेज। व्हाट इज विंड कवरेज, जो मैंने पिछले एक्सप्लेन किया था कि साल के कितने दिनों में आपके पास जो विंड की स्पीड है वो 15 माइल पर आवर से एक्सीड करेगी। सिर्फ अब जो एक्सीड नहीं करेगी तो वो इसके अंदर अंदर जो रीजन है तो यहाँ पे एक्सीड नहीं करेगी, और यहाँ पे जो है इस रीजन में एक्सीड करेगी। तो जब ये सारा काउंट किया गया, दैट वॉज 90.8, जो इस स्ट्रिप के अंदर है, यानी 3.8, 0.6, 0.2, ये सबको जब काउंट किया गया तो ये स्ट्रिप के अंदर दैट वॉज 90.8। तो बेसिकली यहाँ पे विंड कवरेज क्या है, 90.8, और ये जो बाहर बाहर है ये जो काउंट किया गया 0.1 + 0.1 + 0.4 एंड सो ऑन, दैट वॉज 9.2%। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये 95% विंड कवरेज दे रहा है ये इस डायरेक्शन में, अगर हम रनवे बनाते हैं? नो सर, नहीं दे रहा, ये हमें 90.8% विंड कवरेज दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हम क्या इस डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं? नो। तो फिर हम क्या करते हैं, ये ट्रायल एंड एरर, ट्रायल मेथड है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप दूसरा डायरेक्शन लेते हैं विंड के लिए, ठीक है। जब हमने स्ट्रिप को दूसरे डायरेक्शन में रखा
तो दूसरे डायरेक्शन में आप देखें, दिस इज 21.3 डिग्री, यानी ये साउथ साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको रखा गया। जब आप इस डायरेक्शन में इसको रखते हैं तो तब अगर आप देखें ये क्रॉस विंड है जो विंड कवरेज से बाहर आ रहा है, ये भी वो क्रॉस विंड है जो विंड कवरेज से बाहर आ रहा है, और ये वो तमाम विंड है जो विंड कवरेज के अंदर अंदर आ रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि यहां पे इन ये हेड और टेल तो काउंट नहीं करते, यहां पे ये जो क्रॉस है ये विद इन द लिमिट है, ठीक है। अब जब इसको काउंट किया गया दैट वाज 84.8%, जो इस स्ट्रिप के अंदर सारा काउंट किया गया दैट वाज 84.8%, जो बाहर बाहर काउंट किया गया दैट वाज हाउ मच 15.2%, ठीक है ना। तो क्या ये तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये डायरेक्शन, ये तो 95% कवरेज ये भी नहीं दे रहा। तो जब इसको इंजीनियर्स ने मुख्तलिफ डायरेक्शन में रोटेट करके चेक किया तो कोई भी डायरेक्शन ऐसा नहीं था जो कि 95% विंड कवरेज दे रहा था। और हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं वो क्या है, ICAO की और FAA की गाइडलाइंस ये है कि विंड कवरेज आपके पास कितनी होनी चाहिए, 95%, ठीक है ना। तो यहां पे फिर क्या किया गया, फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया कि हम एक रनवे से काम नहीं चला सकते, वी हैव टू प्रोवाइड टू रनवेज, एक मेन रनवे होगा और एक क्रॉस विंड रनवे होगा, जिसमें ये होगा हम यूज करेंगे कि ये जो 90.8% ऑफ द टाइम है उसमें ये रनवे यूज किया जाएगा, ये बाकी जो एडिशनल 5.8% ऑफ द टाइम है उसमें ये दूसरा रनवे यूज किया जाएगा, क्योंकि हम एक रनवे से 95% अचीव नहीं कर सकते तो हमें दो रनवेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर नाउ। जब दोनों का मिला के काउंट किया गया तो दिस वाज 96.6%, इज दिस क्लियर, दिस वाज 96.6%। तो फाइनली द डिसीजन इज मेड दैट वी हैव टू प्रोवाइड टू रनवेज, वन वुड बी द मेन रनवे एंड वन वुड बी द क्रॉस विंड रनवे। अब आप मुझे बताएं मेन रनवे कौन सा होगा और क्रॉस विंड रनवे कौन सा होगा इन दोनों में से। हॉरिजॉन्टल में किस बेस पे, किस बेस पे कौन सा हम मेन रखेंगे और कौन सा जी एग्जैक्टली जिसका परसेंटेज ज्यादा हो, तो मेन का जो विंड कवरेज है ये देखें, ये पहले का ये 90 है, ये क्रॉस रखेंगे और ये मेन रनवे होगा, तो इस मेन को 90.8% साल के 90.8% डेज में ये रनवे यूज किया जाएगा। सिर्फ 5.8% डेज ऐसे आएंगे जिसमें इस डायरेक्शन में विंड की स्पीड 25 से एक्सीड कर जाएगी, तो फिर जो है इस रनवे को ऑपरेशनल बनाया जाएगा, उस टाइम पे इस रनवे को बंद किया जाएगा। तो ये जो हम एयरपोर्ट बनाएंगे दैट विल बी टू रनवेज इन इट। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो रनवे हम बना डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ रनवेज किसी भी एयरपोर्ट में कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स यानी एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर कि कितने एयरक्राफ्ट्स लैंड और टेक ऑफ करेंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा रनवेज रिक्वायर्ड होंगी, और दूसरा डिपेंड करता है विंड की डायरेक्शन के ऊपर कि अगर एक डायरेक्शन से हमें 95% अचीव नहीं हो रहा तो फिर हम मल्टीपल डायरेक्शन से उसको अचीव कराते हैं और फिर ज्यादा मल्टीपल रनवेज जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। उस यहाँ पे इफ यू वांट वी कैन टेक अ ब्रेक, ठीक है यहाँ पे, और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उससे हम स्टार्ट लेंगे विद एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, और अगर नहीं है तो फिर हम ब्रेक के बाद वील रिज्यूम आवर सेशन आफ्टर द ब्रेक।